बहुत बहुत स्वागत है एक बार बिल्कुल 8 मई का दिन बिल्कुल खास था हर एनडीए एस्पिरेंट के लिए इस देश में जो वाकई में एनडीए एग्जाम को लेके फोकस्ड है आने वाले 4 सितंबर के लिए। बच्चा ये मॉक टेस्ट केवल मॉक टेस्ट नहीं है, ये एहसास है आपकी तैयारी का, ये आउटपुट है कि आखिर अभी तक आपने क्या किया है। मैं देश के हर कैंडिडेट से कहना चाहता हूं कि ये मॉक टेस्ट की जो प्रक्रिया है बेटा ये आपके लिए बिल्कुल पैनासिया है, रामबाण है और हर बच्चा बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करे। मैं कहना चाहता हूं बेटा ये एक प्रक्रिया है जिससे आपको आपके सच से आपको वाकिफ हम कराएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर आपके प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड क्या है। पूरे देश के हर एनडीए एस्पिरेंट से कहना चाहता हूं बेटा कि 8 लाख बच्चों में से 8000 बच्चे केवल रिटन क्वालीफाई करते हैं, 1% का रिजल्ट आता है बेटा। सच को समझना और कबूलना बहुत जरूरी है। उसमें भी मैं कहता हूं हमेशा कि कब्जा सैनिक मिलिट्री आर्मी स्कूल्स के ज्यादा से ज्यादा रहते हैं, बट अगर अपनी भी जगह उसमें हमको सिक्योर करनी है और वाकई में अपनी सीट रिजर्व करानी है तो जरूरत है कि आप मेजर कल्सी क्लासेस द्वारा कंडक्ट किए गए ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट जो हम कंडक्ट कर रहे हैं आपके लिए इसमें सब हिस्सा बनिए, क्योंकि इसका हिस्सा बनकर के ही आप अपनी वास्तविकता को समझ पाएंगे, अपने कॉन्सेप्ट को उस लेवल पर डेवलप कर पाएंगे। क्योंकि बेटा एग्जाम में सफलता आप अपने दम पे लाते हैं, दूसरे बस सहयोग और गाइडेंस आपको कर सकते हैं, इस बात को आपको एहसास कराना है। और मैं कहना चाहता हूं बीइंग एनडीए कॉम्पिटिटर आपको गर्व के साथ कि ये एहसास कराने का एक जंग हमने छेड़ी है और देश का जितना भी एनडीए एस्पिरेंट है उसको इस बात का हम एहसास करा के रहेंगे कि वाकई में 4 सितंबर से पहले ज्यादा से ज्यादा आपको ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट कराएंगे और आपकी रियलिटी आपके सामने ले आएंगे। तो आज बिल्कुल मैथ सेक्शन का 120 क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, जबरदस्त सॉल्यूशन, एक-एक क्वेश्चन को ध्यान से देना है। पेपर आपने दिया, रिजल्ट्स आपको मिल चुके हैं, अब डिटेल्ड सॉल्यूशन को भी समझना आपकी जिम्मेदारी बनती है और इसको समझ के ही आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। इसी कड़ी में अगली चीज ऐड करना चाहूंगा कि इस कड़ी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीएटी का भी कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने अवेलेबल है, जिससे आप पूरी तरह से जुड़ करके एक एक क्वेश्चन 150 क्वेश्चन कितने सही हुए कितने गलत हुए, आखिर कॉन्सेप्ट का लेवल कहां कम रह गया, क्या और करने की जरूरत है। मैं देश के हर एनडीए स्टूडेंट से कहना चाहता हूं बेटा यह मौका आपके लिए है और मैं ये आप सबके लिए लेके आया हूं। सब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट को घर मत बैठना, ये आपको अपने सच जानने का एक बेहतर मौका है और ये सच अगर अगले 6 मॉक टेस्ट जो बैक टू बैक हम देने वाले ऑल इंडिया इसका हिस्सा बने बेटा तो 4 सितंबर को मैं लिख के देता हूं आप अपनी सफलता 100% सुनिश्चित कर पाएंगे। तो बिल्कुल विश यू गुड लक और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ सारे के सारे सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए और एक एक क्वेश्चन को फोड़ दीजिए आने वाले अगले एग्जाम के लिए। और नेक्स्ट मंथ जून में फिर से शेड्यूल होगा आपके सामने नए मॉक टेस्ट की डेट, बिल्कुल मेजर कल्सी क्लासेस की वेबसाइट पे सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक, जय हिंद जय भारत। जय हिंद बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज की क्लास में एनडीए का मॉक टेस्ट है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारा जो है टीचर्स का इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत सारा सोच समझ के बनाया गया है, एनडीए पैटर्न पे बनाया गया है जैसा यूपीएससी एग्जाम कराती है। इसके पहले के जितने हमारे मॉक टेस्ट हैं उनको देख लेना और इसके आगे जो आने वाले मॉक टेस्ट हैं उनको आप प्रॉपर वे में कर लेते हो तो नो डाउट आपका 100% रिजल्ट आएगा। ओके बच्चों, तो टाइम लॉस ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बाइनरी नंबर का है। ओके, तो इसमें कह रहा है कि द्विआधारी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं दे रखी है, इनका योग आपका इतना दिया हुआ है, तो फाइंड करना कि x और y का मान क्या होगा। तो देखो क्या है हमारा 1 1 0 1 1 दिया हुआ है, सेकेंड नंबर इज 0 1 1 0 1 1 0 1 है एंड थर्ड नंबर इज y 0 x 1 1 0 0 1 दिया है। इन्हीं को ऐड करके हमें लाना क्या है, आपको दिया हुआ है 1 0 1 1 0 1 1 0 1 दिया हुआ है। अब इसको देखते हैं, हमें पता है कि 1 + 0 आपका 1 होता है, 0 + 0 आपका 0 होता है, 0 + 1 भी क्या होता है 1 होता है, बट 1 + 1 क्या होता है 1 0 होता है। इसमें हम 0 को लिखते हैं और 1 क्या होता है कैरी में जाता है। ये तो रूल्स है ऐड करने का, दो बाइनरी नंबर को ऐड करने का। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो 1 + 0 तो 1 होगा। अच्छा 1 में क्या ऐड करोगे कि 1 आएगा, तो 1 में हम 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा। ओके, तो y का मान तो हमारा 0 0 हो गया। ओके, एंड आगे बढ़ो आप, 1 + 1 1 0 तो 0 लिखा हुआ है, कैरी 1 हो जाएगा, 1 + 0 1 एंड 1 ऐड करेंगे तो 1 1 आएगा, 1 0 आएगा, तो इससे क्या हो गया, यहाँ x का क्या मान रखोगे, तो x का मान 1 रखोगे तो आपका यहाँ 1 आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब है बी आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन सेकेंड, 2 संख्याएं इनका भी योग बताना है, ये 2 संख्याएं हैं इनका हमें योग बताना है, बस ऐड कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन है,
जीरो एंड आपका 0101 है, इन्हीं को ऐड करना है। ऐड करके देखो क्या आएगा, 0 प्लस 0 0 होगा, 1 प्लस 1 1 0 होगा, यहाँ कैरी लगा देंगे, एंड 1 प्लस 1 1 0 होता है तो 0 लगा देंगे, फिर 1 1 प्लस 1 1 0 होगा, 1 आ जाएगा, फिर कैरी 1, तो ये आपका आंसर आ रहा है। तो ऐसे देखते हैं कहीं कुछ ऐसा कुछ है, यस ए आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हमारा ए इज करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका लॉग का है, टू लॉग टू बेस एट माइनस लॉग नाइन बेस थ्री अपॉन में थ्री दिया हुआ है, इसको बताना है कि क्या होगा इसका। तो एक फार्मूला हमने आपको बता रखा है कि लॉग ए टू दी पावर एम बी टू दी पावर एन इक्वल टू होता है एम अपॉन में एन लॉग ए बेस बी होता है। इसी फार्मूले के यूज करके इसका आंसर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, 8 को लिख सकते हो 2 के पावर 3, तो 2 अपॉन में 3 आ जाएगा, एंड यहाँ पर आ जाएगा 2 बेस 2 आ जाएगा। ओके, और लॉग 2 बेस 2 का मान 1 होता है। सी मैच 9 को लिख लेंगे 2 के पावर 3 2 बाहर आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा अपॉन में 3। देखो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, दोनों वैल्यू 1 हो जाएगी। फाइनल क्या आ गया आपका, 2/3 माइनस का 2/3, दैट मीन्स 0 आंसर, यानी 0 आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये भी क्वेश्चन लॉग का ही है। इसमें देखो लिखा हुआ है लॉग 9 के पावर एक्स माइनस 1, यहाँ का प्लस माइनस गायब है, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस गायब है, मॉक टेस्ट में देखोगे आपका प्लस का साइन है। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, फाइनली सॉल्व करते हैं। देखो ये है हमारा लॉग एम माइनस लॉग एन है, लॉग एम माइनस लॉग क्या होता है, लॉग एम बाई एन हो जाता है, तो यही कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, लॉग 2 हो जाएगा, ऊपर आएगा 9 के पावर एक्स माइनस 1 प्लस 7 अपॉन में 3 के पावर एक्स माइनस 1 प्लस 1, दैट मीन्स 2। ओके, आगे सॉल्व करते हैं, 9 टू दी पावर एक्स माइनस 1 प्लस 7 अपॉन में 3 के पावर एक्स माइनस 1 प्लस 1, इट इज 4, 2 टू दी पावर ये चला जाएगा, 2 के पावर में 2 चला जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये तो रिलेशन हो गया, अब इस रिलेशन को आप कर सकते हो कि 3 के पावर एक्स को आप वाई मान का सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक बनाकर, बट आप ऑप्शन से कर सकते हो, 1/1 0 पुट करके देखो, फिर 1 पुट करके देखो, 2 पुट करके देखो, जिसके लिए 4 आ जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए डी आंसर इज करेक्ट आंसर होता है। ओके, ना हो तो इस तरह सॉल्व करके देखना, 3 के पावर एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो इस तरह थोड़ा सा होमवर्क घर पर प्रैक्टिस भी करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन है, ये सेट थ्योरी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले फॉर्म के हैं, याद रखना एनडीए एग्जाम में 12 से 14 क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो स्टेटमेंट भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से हमें प्रॉपर तरीके से आपको समझना है, ठीक है, इसमें आपको क्या है, बहुत ज़्यादा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी इस टाइप के क्वेश्चनों को, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका, ये दिया हुआ है, ए दिया है, बी है, ए बी, देखो यहां क्या दिया, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये होता है, ओके, एंड ए में से इंटरसेक्शन पोर्शन माइनस करना है, तो ए में से इंटरसेक्शन पोर्शन माइनस करो तो इतना आएगा, अरे भाई इतने को हम तो ए माइनस बी बोलते हैं, इतने को ही ए माइनस बी बोलते हैं, और लेफ्ट में क्या है, ए माइनस बी ही है, यानी ए आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड को बनाते हैं वेन डायग्राम से, ये ए है ये बी है, यहां पर क्या, ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी मीन्स इतना पोर्शन हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, एंड ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या होगा, दिस पोर्शन इज ए माइनस बी, ए माइनस बी,
दैट इज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ए तो आ गया, इन्हीं का तो हमें यूनियन लेना है, तो आपका ए आंसर ए आ गया, इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू है। तो ऑप्शन में देखते हैं, वन टू कहाँ करेक्ट है, डी आंसर इज करेक्ट आंसर, ठीक है, तो इसका डी आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स, यहां दिया है एन ए बराबर ए एक्स, और एक्स को बोल रहा है कि नेचुरल नंबर है, वन टू थ्री फोर फाइव है, तो आप निकालो एन ट्वेल्व क्या होगा। जैसे आप एन ट्वेल्व की बात करोगे तो यहां ट्वेल्व एक्स हो जाएगा, ट्वेल्व एक्स हो जाएगा, बट एक्स हमारा नेचुरल नंबर लेना है, तो जैसे वन टू थ्री पुट करोगे तो आपका ट्वेल्व का टेबल बन जाएगा, ट्वेल्व ये टेबल बनता जाएगा डॉट डॉट ये एन ट्वेल्व। एंड एट की बात करते हैं, जब एट की बात करोगे तो क्या आएगा, एट रखोगे तो एट का टेबल बन जाएगा, सोलह आठ चौबीस आठ चौक बत्तीस आठ चालीस, इस तरह टेबल बनता जाएगा, ठीक है। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन में देखो कौन सी ऐसी चीज जो कॉमन है, एक तो 24 कॉमन हो रहा है, एक 48 कॉमन हो रहा है, ये 36 होगा, ओके ये का आपका आ रहा 48 कॉमन हो रहा है, इसका मतलब 24 का टेबल बन रहा है, तो 24 का टेबल बनेगा तो क्या जाएगा, सी आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का दिया है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट अप्लाई होते हैं। कंसेप्ट ये है, क्वेश्चन ये है, कक्षा में 120 छात्र हैं, 65 चाय पीते हैं, 84 कॉफ़ी पीते हैं, और एक्स दोनों कॉफ़ी और चाय दोनों पीते हैं, तो बताना एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, ओके एक्स का मान क्या क्या आ सकता है, ये चीज़ कह रहा। तो हमें फार्मूला पता है एन ए यूनियन बी, अगर ए को हम चाय मानते हैं और बी को कॉफ़ी मानते हैं तो ये होगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी होगा। अच्छा एन ए की वैल्यू क्या दिया है, 65 गिवेन है, और एन बी की वैल्यू क्या है, 84 गिवेन है, और इंटरसेक्शन की वैल्यू एक्स गिवेन है, इतना तो क्लियर है। सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा 9 आएगा, 149x। अब देखो इन यूनियन का मान जो होता है सबसे ज़्यादा मतलब टोटल से कम होता है और सबसे ज़्यादा से बड़ा होता है, ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। मतलब क्या होगा कि जो यूनियन का मान होगा, यूनियन का मान सब टोटल से छोटा होता है, टोटल से ये होगा, टोटल टोटल तो 120 स्टूडेंट है ना, टोटल से तो छोटा होगा बट सबसे बड़े वाले से बड़ा होगा, बड़ा कौन सा, 84 से हमारा बड़ा होगा, ओके ये कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है। यूनियन का मान जो होता है सब टोटल से छोटा होता है बट दोनों में से जो सबसे बड़ा है ना उससे बड़ा होगा, तो 84 सबसे बड़ा है तो 84 और 120 के बीच में लाई करेगा। अब यूनियन का मान हमें क्या की मैंने 149 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 120 और ये हो जाएगा आपका कितना 84। यहाँ से जब x निकालोगे तो सी आंसर इज करेक्ट आंसर, 149 को इधर माइनस कर लो, 149 को इधर माइनस कर लो इधर, ठीक है, तो क्या आएगा आपका 29 से 65 के बीच में लाई करेगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ये रिलेशन का क्वेश्चन दिया है, ठीक है, यहाँ पर दिया है n पूर्णांक का समुच्चय है, एक संबंध r जो n पर परिभाषित है, और कैसे परिभाषित है कि एक्स वाई है जिसमें एक्स वाई इज ग्रेटर देन जीरो, वेयर x एंड y एक पूर्णांक को इंडिकेट करते हैं, किसको इंडिकेट कर रहे हैं, पूर्णांक को इंडिकेट कर रहे हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है निम्न में से, यानी आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, ये हमें बताना है। अच्छा ये दिया पूर्णांक है, पूर्णांक में क्या होगा, देखो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है एक्स आर एक्स, ये होना चाहिए रिलेशन के अंदर। अच्छा इसके बाद में सिमेट्रिक का मीनिंग होता है, सिमेट्रिक मतलब सममित का मीनिंग होता है एक्स आर वाई
अगर है तो वाई आर एक्स भी होना चाहिए। और आपका ट्रांजिटिव मीन संक्रामक का मतलब होता है, मीनिंग होता है कि एक्स आर वाई हो एंड वाई आर एक्स जेड हो तो देन आपका एक्स वाई जेड होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, अच्छा पूर्णांक की बात किया है तो हमें पता है जीरो भी पूर्णांक होता है। अगर जीरो जीरो आप लेते हो, जीरो जीरो ले लो, एक्स को जीरो एंड वाई को जीरो, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ग्रेटर देन जीरो नहीं आएगा, इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है। और बाकी के लिए ट्रू है, अगर यहाँ आपका इंटीजर ना होकर नेचुरल नंबर देता तो अलग आंसर होता, बट यहाँ क्या दिया है, पूर्णांक दिया है, पूर्णांक मतलब इंटीजर वैल्यू दिया है, तो जीरो भी तो इंटीजर होता है, तो जीरो इंटू जीरो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा, इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमें पता हो गया रिफ्लेक्सिव तो नहीं होना है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होना है, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव कहाँ नहीं है, इसी से आंसर बन जा रहा, रिफ्लेक्सिव नहीं होना है, आर सममित है परंतु स्वतुल्य नहीं है, ठीक है, ये आंसर होगा। अच्छा सममित की बात कर लो, अगर आपका एक्स आर वाई है दैट मीन्स एक्स वाई का मान ग्रेटर देन जीरो है, तो जब वाई आर एक्स करोगे तो वाई एक्स हो जाएगी, ये भी तो ग्रेटर देन जीरो होगा हर एक एक्स वाई के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि स्वतुल्य नहीं होना है, केवल एंड केवल क्या होगा, सममित होगा, स्वतुल्य नहीं होना, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर स्वतुल्य दिया है तो ये भी गलत हो गया, यहाँ स्वतुल्य दिया तो ये भी गलत है, और एक तुल्यता में तीनों आ जाते हैं, तुल्यता संबंध में क्या होता है तीनों आ जाते हैं, तो तीनों तो है नहीं क्योंकि हमारा स्वतुल्य तो है नहीं, तो हम ए आंसर इस करेक्ट करके चले आएंगे। ओके, अगर यहाँ पर इंटीजर के अलावा नेचुरल नंबर होता तो इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाता, बट यहाँ पर पूर्णांक दिया है, इंटीजर दिया है, तो इसमें हमारा स्वतुल्य नहीं होगा, बाकी दोनों होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी रिलेशन का ही है। ओके, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है यदि आर एक संबंध प्राकृतिक संख्या एन, प्राकृतिक संख्या दे दिया, प्राकृतिक दे दिया, एक दो तीन चार दे दिया, अच्छा इसके लिए ये चीज डिफाइन है, ये चीज डिफाइन है, तो आपको बताना है कि ये संबंध कैसा होगा। ओके, अच्छा हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि एक्स आर एक्स अगर है तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, तो यहाँ पर देख लो एक्स की प्लेस पर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री फोर, इस टाइप का क्वेश्चन इस बार एनडीए एग्जाम में पूछा गया था, तो यहाँ पर एक्स रिफ्लेक्सिव होने के एक्स आर एक्स करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री एक्स का स्क्वायर, दैट मीन्स क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये तो जीरो हो रहा है, इसका मतलब स्वतुल्य तो हमारा है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो हमारा हो रहा है, ये तो क्लियर हो गया कि रिफ्लेक्सिव है। ओके, एंड आपका सममित की बात करते हैं, ट्रांजिटिव की बात, सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो x r अगर y है तो y r x भी होना चाहिए, तो y r x करके देखते हैं क्या आएगा, x के प्लेस पर y और y के प्लेस पर x पुट करना, तो यहाँ पुट करोगे तो y स्क्वायर माइनस का 4 एक्स वाई रहेगा प्लस 3 एक्स का स्क्वायर। देखो ये कंडीशन में नहीं गिवन है, अगर ये जीरो हो जाता तो हम कहते कि ये सिमेट्रिक भी है, यहाँ पर जीरो नहीं हो रहा है इसका मतलब एक सिमेट्रिक नहीं है, ये तो गलत हो गया, तो तुल्यता भी गलत हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा ए आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया होगा नो डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये सीक्वेंस एंड सीरीज का है, सीक्वेंस एंड सीरीज का भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। ओके, यहाँ दिया है यदि समांतर श्रेणी के n, 2n और s3n पदों का योगफल क्रमशः s1, s2n, s3 है, मीन्स s1 का मान दिया है कि n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये दिया हुआ है, इतना क्लियर है, एंड s2 का मान दिया हुआ है 2n बाई 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू d दिया हुआ है, एंड S3 का मान दिया हुआ है 3n बाई 2 इंटू 2a प्लस
3n माइनस 1 इंटू डी। इन रिलेशन को ध्यान से देखो जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में क्या बनेगा, अगर आप इसमें से अगर माइनस करते हो तो यहाँ n में से 2n माइनस होगा, n में से 2n माइनस सॉरी 2n में से अगर 1 माइनस होगा तो n बचेगा, और यहाँ क्या चाहिए 3n चाहिए। इसका मतलब आप जो हैं आपका s3 आ रहा है, ठीक है, तो इस रिलेशन पे जाओगे, इस रिलेशन को पहले चेक करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको ऑप्शन से ही जाना है। तो हमने आपको क्या बताया कि अगर s3 लाना है, s सम में s3 दे रखा है, ओके s3 लाना है तो इसमें से अगर ये s2 में से s1 को माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा n आएगा, n में जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी वो 3n बनेगा, तो आपका जो रिलेशन जो है इस पर मैच करोगे, ठीक है। अब इसका मैच करने का मतलब ये हो जाएगा सी आंसर इज करेक्ट होना चाहिए, बाकी तो नहीं होगा, ओके बाकी तो नहीं होगा। अब क्या करो, इसको प्रूव करके, प्रूव क्या है कि इसको चेक करके देखते हैं क्या होगा, तो 3 इंटू एस टू माइनस एस वन कर लेंगे, देखते हैं क्या आ रहा, 3 होगा इंटू एस टू माइनस एस वन, तो एस टू में से जब एस वन घटाओगे तो देखते हैं क्या एस क्या नाम एस टू, एस टू क्या था 2n बाई 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, ये तो हमारा आ गया एस टू, में से एस वन को माइनस करना है तो एस वन को माइनस कर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब बेटा सॉल्व करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा आपका 3n बाई 2 इंटू 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। इसको सॉल्व कुछ कॉमन होगा, उसके बाद सॉल्व करोगे तो आ जाएगा यानी एस थ्री के बराबर होगा, ये बुक में आपके प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, ओके तो सी आंसर इज करेक्ट आंसर रहेगा होगा, ठीक है, कुछ आप लोग ट्राई करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है यदि एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल 4/3 दिया है और इसका प्रथम पद दिया है ये, तो गुणोत्तर अनंत पदों का योगफल हमें फार्मूला पता है कि s इन्फिनिटी इक्वल टू 1/a/1 r होता है। अच्छा इसका मान आपको क्या दिया, 4/3 दिया है, इतना तो हमें क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं आ जाएगा 3a इक्वल टू 4 × 1 r हो जाएगा, इतना तो क्लियर होगा, नो डाउट। साथ में आपका a का मान भी दिया है 3/4 दिया है, तो 3/4 लिख लेते हैं, 3/4 इक्वल टू 4 × 1 r हो गया, क्लियर। 4 को राइट में लेफ्ट में लाएंगे, 1 r का मान 9/16 हो जाएगा, तो r का मान क्या आएगा 7/16 आ जाएगा, आप 1 में से माइनस कर लोगे तो इसका आंसर क्या हो रहा है, ए आंसर इज करेक्ट आंसर हो रहा, नो डाउट समझ में आ रहा होगा, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले भी बताया था कि पीछे जितने मॉक टेस्ट हुए हैं उनका कलेक्शन कर लेना, आगे जो आएंगे उनका कलेक्शन कर लेना, कलेक्शन कर अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना, नो डाउट आपको 4 सितंबर का जो एग्ज़ाम है NDA एग्ज़ाम जो है उसमें आपका बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है a अपॉन में b प्लस सी एंड b अपॉन में c प्लस ए और c अपॉन a प्लस बी, कह रहा AP में है, तो हमने आपको बता रखा कि अगर AP है सम अगर नंबर माइनस करो या प्लस करो तो AP में कोई चेंज नहीं आता है, तो 1 ऐड कर देंगे, जैसे 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा a प्लस बी प्लस LCM के साथ ये आ जाएगा, और यहाँ ऐड करोगे तो क्या आएगा b प्लस सी प्लस ए अपॉन में c प्लस ए आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा यहाँ भी आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन में a प्लस बी आ जाएगा, ये कह रहा AP में है, ये भी तो AP में होगा। अब क्या करेंगे a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 1 अपॉन में b प्लस सी 1 अपॉन में c प्लस ए 1 अपॉन में a प्लस बी, ये भी क्या होगा AP होगा, क्या होगा AP होगा। अब क्या करना है, जब AP होगा ABC AP में है तो 2B इक्वल टू a प्लस सी होता है, यही कंसेप्ट को अप्लाई कर लेंगे 2 अपॉन में c प्लस ए इक्वल टू 1 अपॉन में b प्लस सी प्लस 1 अपॉन में a प्लस बी, ये आ गया इस टाइप का आ गया।
अब इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। ओके, तो क्रॉस एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लोगे 2 हो जाएगा और साथ में b प्लस सी ए प्लस बी आएगा, इक्वल टू आएगा c प्लस ए आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा। इस तरह भी आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। मैंने क्या किया, पहले इनका मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई के 2 से इधर ला दिया, और यहाँ पर c प्लस सी आएगा, एलसीएम लोगे a प्लस बी, और यहाँ b प्लस सी आ जाएगा, यही हमने लिख दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो रिलीज, मल्टीप्लाई करके देखना, आप भी तो कुछ करो, ये आएगा। ओके, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए पी में हो जाएगा। ये आप करके देखोगे तो क्या आएगा, ए पी में आएगा। तो ए पी इज करेक्ट आंसर, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में होगा। ओके, चलो ये मॉक टेस्ट है। यस, क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। करा ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट दिया है, एक समांतर श्रेणी के पद हैं, और ये आपको रिलेशन दिया है, रिलेशन ये दी मैंने। ऐसे केस में बताना ए सिक्स अपॉन में ए 21 क्या होगा। ओके, अभी देखो ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री डॉट डॉट ए पी दिया है, यानी पी पदों का योगफल निकाल लेंगे। तो पी पदों का योगफल क्या होता है, पी बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ 2a, a मान ला हमने a1 मान लिया है, ठीक है, a1 है, प्लस p माइनस 1 इंटू d1 मान लिया। अच्छा, नीचे क्या आएगा, ये भी p पद q पदों का योगफल है, तो q बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, ये हो जाएगा 2a1 हो जाएगा प्लस q माइनस 1 इंटू d हो जाएगा। अच्छा, ये क्या दिया है, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर दिया। इतना तो क्लियर है, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है। 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 पी से 1 पी कैंसिल आउट, 1 क्यू से 1 क्यू कैंसिल आउट, क्या बचा, 2 ए 1 प्लस पी माइनस 1 इंटू डी अपॉन में 2 ए 2 प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये पी बाई क्यू दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, हमें एनवा पद जो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, यहाँ पर 2 है तो 2 कॉमन कर लो दोनों में से, तो यहाँ पर क्या आएगा, p माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा, p माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा, और p माइनस 1 बाई 2 का मान क्या आना चाहिए, 6 है तो 5 आना चाहिए, यानी आपका p माइनस 1 बाई 2 का मान 5 आना चाहिए, क्योंकि छठा पद है, तो यहाँ से आ जाएगा p का मान आएगा 11 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखो, दो जब कॉमन करोगे तो आएगा q माइनस 1 बाई 2, और इसका मान कितना आना चाहिए, किस है, तो होता a प्लस 20d, तो इसके जगह पे 20d 20 आना चाहिए, तो यहाँ होगा 20 41, यानी q का मान कितना आ गया, 41 हो गया, यानी ओवरऑल आ गया 11 अपॉन 41। तो कहीं ऑप्शन में दिख रहा है 11 अपॉन 41, ये सी आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अनंत गुणित श्रेणी का योग x दिया हुआ है, और इसका कॉमन रेशियो दिया है वो r दिया है, इस प्रकार है कि मॉड r का मान लेस देन 1 है। यदि गुणित श्रेणी का प्रथम पद 2 दिया है तो निम्न कौन सा सत्य है। ठीक है, तुम्हें पता है अनंत गुणित के अनंत पदों का योगफल होता है a अपॉन में 1 माइनस r होता है। यस, अब अनंत गुणित ये योग दिया है, x दिया है, x के बराबर दिया है। अच्छा, और सार ये है, और प्रथम पद 2 दिया है, तो प्रथम पद 2 दिया है तो 2 अपॉन में 1 माइनस आर का मान आपका x आ जाएगा। इतना तो क्लियर होगा। अब क्या करें, 1 माइनस आर निकालो, जैसे 1 माइनस आर फाइंड करोगे तो आ जाएगा क्रॉस मल्टी 2 अपॉन में x हो जाएगा, 2 अपॉन में x आएगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 अपॉन में x आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से r का मान हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन में x आ जाएगा, ये आ जाएगा r माइनस 1 माइनस 2 अपॉन में r हो जाएगा। अब इस r को क्या बोल रहा है कि ये r का मान लेस देन 1 है, तो r का मान लेस देन का मतलब ये हो जाएगा, इनके बीच में लग जाएगा। तो अब r का मान यहाँ रख देंगे 1 माइनस 2 अपॉन में x,
लेस देन वन, लेस देन माइनस वन, ओके। माइनस वन को लेफ्ट दोनों साइड माइनस कर लेंगे तो इधर आएगा तो माइनस का टू आ जाएगा, लेस देन माइनस का टू अपॉन में एक्स आएगा और लेस देन जीरो आएगा, ओके। माइनस टू से डिवाइड कर देंगे, जैसे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा, ठीक है, माइनस टू से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा वन ग्रेटर देन वन बाई एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। अब इसको रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा, रिवर्स करोगे क्योंकि हमें हमें एक्स का मान बताना है ना कि वन बाई एक्स का मान बताना, ओके। तो ये करोगे तो सी आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका आंसर सी था, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन कह रहा है सब हवाना को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जाए जिसमें वी और एन कभी भी साथ न आए। इस टाइप का क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन फिक्स होता है, हर साल एक क्वेश्चन फिक्स होता है, ठीक है। तो इस टाइप की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से आप कर लेना, वर्ड वाले वर्ड यहाँ कुछ भी दे सकता है, यहाँ पर इस बार टाइगर दिया था, इस बार टाइगर दिया था, ओके। इसके पहले लखनऊ दिया हुआ था, तो इस क्वेश्चन का करा वी और एन एक साथ ना आए तो टोटल में से एक साथ माइनस कर दोगे तो एक साथ ना आने वाला आपका फाइन हो जाएगा। तो टोटल क्या बनेगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है, सिक्स फैक्टोरियल हो जाएगा अपॉन में ए, देखो ए तीन बार आया तो रिपीटिशन होता है तो उससे डिवाइड करना पड़ता है, ये हो जाएगा 720 अपॉन में सिक्स हो जाएगा, टोटल आएगा 120 आ जाएगा, यानी टोटल तो हमें 120 पता चल गया। अब कहना एक साथ आने वाला माइनस करना है तो एक साथ वी और एन को एक साथ ले लो, बाकी क्या बचेगा, एच बचेगा, ए बचेगा, ए एन ए बचेगा। अब आपस में इंटरचेंज होगा तो टू फैक्टोरियल कर सकते हो, इसको वन मानोगे वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव फैक्टोरियल होगा अपॉन में आपको थ्री फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, ये हो जाएगा टू इंटू, अच्छा इसको लिखोगे फाइव इंटू फोर लिख लोगे कितना हो गया, चालीस, चालीस हो जाएगा, ठीक है। आप इसको करके सॉल्व करके देखो क्या है, यहाँ पर जो सॉल्व करोगे तो आपका टू इंटू इसको लिखोगे आप फाइव, 120 लिख लो सीधे सीधे, 120 अपॉन में 6, ये कटेगा तो कितना आएगा 40 आ जाएगा, 40 एक टोटल तो 120 है, 120 में से 40 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 40 माइनस कर दो 80 आना चाहिए, तो 80 आंसर कहीं दिख रहा है, यस बी आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये आपका परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन का ही क्वेश्चन है, इस तरह दिया हुआ है, हमें पता है कि एन सी एन सी आर वन इक्वल टू एन सी आर टू है, तो आर वन प्लस आर टू का मान भाई साहब एन होता है, ये तो हम सबको पता है, सभी को पता है, जितने भी प्रिपरेशन करने वाले एनडीए एग्जाम के सबको पता होगा कि आर वन प्लस आर टू का मान एन के बराबर होता है। अच्छा इसमें यही यही काम करना है, यानी 17 जो होगा आर प्लस वन कर लो तो आर का मान कितना आ गया, 8 आ गया, आर का मान 8 आ गया, इस आर की वैल्यू को यहाँ पुट करना है, तो जैसे पुट करोगे 8p 8 माइनस थ्री फाइव आ जाएगा। अब इसका मान बताना आपको कितना होगा, तो कितना आएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, फार्मूला लगा दिया एन पी आर का, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल होता है, बस इसी को सॉल्व करना है, 8 इंटू 7 इंटू 6 आएगा, 6 मतलब हो जाएगा 720 अपॉन में 6 आएगा, इससे डिवाइड करेंगे 120 आएगा, ठीक है, आ जाएगा 8 × 56 इंटू 120, ओवरऑल कितना आएगा 0 वार्षिक 72 7 12 5 60 यस 6720 6720 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 करा 1 2 3 4 3 2 1 को कितने तरीके से व्यवस्थित करें जिसमें विषम अंक विषम स्थानों पर आना चाहिए। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 बॉक्स बना लिया करो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबरिंग कर दिया। अब क्या करना है, अब देख लो कि ऑड पोजीशन कौन सी है, ये चार हमारी ऑड पोजीशन है और यहाँ पर ऑड नंबर कितने हैं, ऑड नंबर भी 4 ही हैं,
बट जो है ए दो बार है और थ्री भी दो बार है, तो इसी कंसेप्ट को अप्लाई करो। यहाँ फोर फोर प्लेस पर फोर को अरेंज करना है, बट वन दो बार आया है और थ्री भी दो बार आया है, इतना होगा एन टू। अब इवन पोजीशन कितनी है, टू है, फोर है, सिक्स है, थ्री इवन पोजीशन है और नंबर भी क्या है, नंबर भी थ्री ही है, तो थ्री पोजीशन पे आपको थ्री को अरेंज करना है और यहाँ पर आपका टू दो बार है तो टू फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। अच्छा, सॉल्व करने में क्या आएगा, फोर पी फोर हमारा फोर फैक्टोरियल होता है, ये 24 हो जाएगा, यस, एंड थ्री पी थ्री हमारा थ्री फैक्टोरियल होता है, दैट इज सिक्स, टू इंटू टू इंटू टू एट हो जाएगा, एट, इससे कैंसिल आउट होगा, आते हैं 24, तीन छक्के 18, 18 यानी सी आंसर इज करेक्ट आंसर है, नो डाउट सबको समझ में आ गया होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अब आ गया राहुल की रैंक बतानी है, ये दिया है कि राहुल को डिक्शनरी वर्ड में लिखते हो तो इन्हीं लेटर को यूज करते हुए कितने जो है आपके इसकी रैंक क्या होगी, तो लिखते हैं रैंक का एक शॉर्टकट होता है उसी को अप्लाई कर लेते हैं, ए एच यू एल, ये हमारा ये, ठीक है। अब देखते हैं अल्फाबेटिकली क्रम में देखते हैं कि इंग्लिश वर्ड में कौन पहले आता है, तो पहले आएगा उसको फर्स्ट पोजिशन देंगे, तो ये वन आएगा, ये टू आएगा, ये सेकेंड पोजिशन हो जाएगा, फिर ये थ्री पोजिशन होगा, इसकी पोजीशन फोर हो जाएगी और इसकी पोजीशन लास्ट में आएगा फाइव आएगा। अब क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो फोर फोर से देखें कितने ऐसे नंबर हैं जो फोर से छोटे, तो वन टू थ्री है तो थ्री हो जाएगा यहाँ पर, आगे यहाँ आ जाएंगे, वन से छोटा है नहीं कोई नहीं है तो जीरो लिखेंगे, यहाँ से देखें दो से छोटा कोई दिख रहा राइट में नहीं दिख रहा तो ये भी जीरो हो जाएगा, फाइव से छोटा दिख रहा है वन, थ्री दिख रहा है यानी वन होगा, और यहाँ पर जीरो से छोटा तो है ही नहीं, ये कर लेंगे, यहाँ पर जीरो फैक्टोरियल, यहाँ पर वन फैक्टोरियल, यहाँ टू फैक्टोरियल, यहाँ थ्री फैक्टोरियल और यहाँ पर फोर फैक्टोरियल लिखते हैं, इसके बाद जीरो वाला काट देते हैं क्योंकि जीरो का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है जीरो ही आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई और प्लस का वन कर लेते हैं क्योंकि राहुल की रैंक निकालना है ना, तो राहुल तो एक पोजिशन होगा, यस, तो इसको हो जाएगा 424 इंटू थ्री हो जाएगा, प्लस वन होगा और प्लस वन हो जाएगा, कितना आएगा 24 यहाँ 72 और 2 74 आ जाएगा, यानी 74 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है, नो डाउट। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट जो है क्वेश्चन लेते हैं, दिस क्वेश्चन, ये हमारा मॉक टेस्ट का सलूशन चल रहा है जो संडे को एग्जाम हुआ था आपका, ओके, यहाँ पर दिया है 6 लड़कों और 4 लड़कियों में से 7 लोगों का एक समूह बनाना है और इसमें क्या है मेजॉरिटी किसकी होनी चाहिए, बॉयज़ की मेजॉरिटी होनी चाहिए, बॉयज़ ज़्यादा होना चाहिए, गर्ल्स कम होना चाहिए, तो आप ले लो 4 बॉयज़ ले लो तो आपको 3 गर्ल्स लेना पड़ेगा, देखो मेजॉरिटी है, आगे 5 बॉयज़ ले लो तो आपको 2 गर्ल्स लेना पड़ेगा, यहाँ भी मेजॉरिटी है, एंड 6 बॉयज़ लेते हो तो 1 आपको गर्ल लेना पड़ेगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स की टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 7 के ही हमें समूह बनाना टीम बनाना है। अच्छा, इसको जब सॉल्व करोगे क्या आएगा, यहाँ पर 4 6 में से 4 लेने हैं और 4 में से 3 को सेलेक्ट करना है, जब सिलेक्शन की बात आती है तो कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, प्लस अभी हमारा एम कंप्लीट नहीं हुआ, 6 में से 5 लेना है और 4 में से 2 लेना है, यस, प्लस 6 में से 6 को लेना है इनटू 4 में से 1 को लेना है, अभी तो सॉल्व कर देखते कितना है, 6C4 का मान 6C2 के बराबर होता है तो 6C2 के बराबर होगा तो इसका मान मतलब हो जाएगा 6 इंटू 5 कौन में 2 करेंगे 3 5 15 आ जाएगा और ये 4 होता है तो 15 इंटू 4 होता है प्लस 15 चौके 60 हो गया। अच्छा, 6C5 का मान तो 6 होता है और इसका मान भी 6 होता है, 4C2 का मान 6 होता है, यस, आगे 6C6 का मान तो 1 होता है और ये 4 होता है, ओवरऑल कितना आया 36 45 और 60, 100 आना चाहिए, यस, 100 दिख रहा है, यस, 100 दिख रहा है, 100 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ये 20 क्या होगा,
20 में दिया त्रिभुजों की संख्या जो एक नियमित पॉलीगन दिया हुआ है, कर आप पॉलीगन है तो पॉलीगन मतलब क्या है, इसमें n प्लस 3 भुजाएं हैं, और जब नंबर ऑफ ट्रायंगल की बात आएगी तो ये हो जाएगा, इसका मान दिया है 220 दिया है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो आप, कह रहा है एक पॉलीगन है जिसके अंदर n प्लस 3 जो है साइड्स है, तो और बता रहा है कि कितने ट्रायंगल बनाएंगे, 220 ट्रायंगल बनाएंगे। जब 220 ट्रायंगल है तो एन सी थ्री, सी थ्री जो होगा 220 हो जाएगा। अब इसका फार्मूला होता है, रखते हैं एन प्लस 3 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 220। इतना क्लियर है? अब मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3, दैट मीन्स यहाँ ध्यान से देखना आप, ये 6 हो रहा उसको लिख लो आप, 11 इंटू 10 इंटू वो 2 यहाँ से आएगा और 6 12 ये हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करना बहुत कठिन है, बट हम क्या करेंगे, हीट एंड टाइम है तो कंपेयर कर लो, छोटा वाला कौन है, n प्लस 1 है और यहाँ पे छोटा क्या है, 10 है, ऑर्डर में है ना, तो n प्लस 1 का मान आपका 10 हो जाएगा, तो n का मान आपका कितना होगा, 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर आंसर कौन सा सही है, यहाँ पर आंसर 9 आ रहा था, तो 9 मतलब बी आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, नंबर बात करते हैं 21 की, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है आपसे, x माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 के विस्तार में x पावर 0 का गुणांक क्या होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, डायरेक्टली हम लोग अप्लाई करते हैं x पावर p प्लस माइनस 1 अपॉन x पावर q के हिसाब से, 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 इज 6, 6 इंटू 1 इज 6 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों आपका, 1 प्लस 1 इज 2, ठीक है। तो और प्लस कितना आएगा बच्चों आपका, 1 आएगा, ठीक है, कि विस्तार में x पावर 0 का गुणांक चाहिए, तो ये टर्म आएगा बेटा, कौन सा आएगा, ये आपका टर्म निकल कर आएगा, किस टर्म में आपका x पावर 0 का गुणांक आएगा, तो वो हो जाएगा आपका फोर्थ टर्म होगा बेटा, कौन सा होगा, फोर्थ टर्म, ठीक है। अब फोर्थ टर्म होगा तो फोर्थ टर्म किसके बराबर हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा 6c3, हमको गुणांक चाहिए, ठीक है, तो हमको x वगैरह से मतलब तो है नहीं, माइनस 1 की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो इस केस में बच्चों कितना आ जाएगा बच्चों आपका, इसका आंसर इसको आप एवेल्यूएट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6c3 होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये चला जाएगा, आंसर आएगा माइनस 20, माइनस 20 का मतलब होता है आपका आंसर बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्लियर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है आपसे, 50C4 प्लस, ये कुछ समेशन दिया हुआ है, इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं, तो 50C4 तो है ही सही, यहाँ पर हम आर इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा आपका 55C3 बनेगा, फिर आर इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये मिलेगा आपका 54C3, फिर आपका 53C3, फिर आपका 52C3, 50, फिर आर इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे, आर इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 51C3 प्लस कितना बच्चों आपका, ये हो जाएगा 50C3 बेटा, कितना हुआ 50C3, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना, एक प्रॉपर्टी होती है NCR प्लस NCR माइनस 1, ये हो जाता है N प्लस 1CR बेटा, कितना हो जाता है आपका N प्लस 1CR, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा 51C4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 51C4 हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से 51C4 को इसके साथ ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 52C4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 52C4 हो जाएगा। तो फर्दर जब हम इसके साथ लास्ट में आएगा 55C3 के साथ में, 55C3 के साथ में आएगा 55C4, तो आंसर होगा आपका 56C4 होगा बेटा, फाइनली आंसर क्या आएगा 56C4, आपको इस प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा बेटा इसमें, ठीक है ना। चलिए तो क्या आंसर हो जाएगा 56C4, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है बच्चों आपसे, 3x प्लस वाई की पावर 5 की होल पावर 4, तो इसको ऐसे लिख लो 3x प्लस वाई की पावर कितना आ जाएगा आपका 20, माइनस ये हो जाएगा बच्चों 3x माइनस वाई की पावर 20, ठीक है ना। इसमें टोटल कितनी टर्म्स होंगे आपकी, 21 टर्म्स होंगी, इसमें कितनी टर्म्स होंगे 21 टर्म्स होंगी, आधी आपकी इसके अंदर क्या होगा आपका, कि अब इसको आप सेपरेट करोगे ना, तो सेपरेट करोगे तो इवन प्लेसेस पर जो आपकी टर्म्स होंगी वो आपकी बचेंगी, यानी इवन प्लेसेस पर टर्म्स की अगर हम बात करें, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म से लेकर के आपका T20 टर्म्स तक बच्चों आपका बचेगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।
तो ये अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल कितनी टर्म्स आ जाएंगे बच्चों आपके, ये 10 टर्म्स आएंगे बेटा। कितनी आएंगी? 10 टर्म्स। इसलिए 23 की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने जाएंगे, पदों की संख्या वो 10 के इक्वल होगी बच्चों। किसके इक्वल होगी आपकी? 10 के इक्वल हो जाएगी, राइट। ठीक है, क्योंकि जो ऑड पर जो आपकी टर्म्स होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, जब आप सेपरेट करोगे तो क्या हो जाएंगे आपकी? कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम डायरेक्टली नोट्स में एज इट इज लिखवा देते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों आपका? 23। 24 की बात करते हैं। 24 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? ताश के पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है और एक जुआरी शर्त लगाता है कि वह हुक्म अथवा इक्का है, हुक्म अथवा इक्का। ठीक है ना, तो उसके जीतने के विरोध में प्रायिकता का अनुपात क्या होगा, यानी कि ऑर्सिन अगेंस्ट पूछ रहा है। तो पहले प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं ऑर्सिन फेवर की, उसके प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ऑर्सिन फेवर की। ठीक है ना, तो हुक्म का होना चाहिए इक्का। ठीक है, हुक्म की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? 13/52 प्लस 4/52, हुक्म का इक्का भी हो सकता है, माइनस हुक्म का सॉरी इक्का भी हो सकता है, तो 4/52 हुक्म का इक्का हो। ठीक है, वो हो जाएगा 1/52 बेटा। तो टोटल कितना आएगा बच्चों आपका? ये हो जाएगा 13/4 = 17 16/52। ठीक है, तो ये बचेगा आपका 4/13। तो आपके 4 तो फेवरेबल केसेज होंगे, ये आपके फेवरेबल केसेज होंगे बच्चों। क्या होंगे? फेवरेबल केसेज आपके हो जाएंगे। और 9 जो होंगे बच्चों क्या हो जाएंगे? अनफेवरेबल केसेज होंगे बच्चों। क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों? अनफेवरेबल केसेज होंगे 9। ठीक है, तो 4:9 जो होगा वो ऑर्सिन फेवर होगा। अगर हम ऑर्सिन अगेंस्ट की बात करते हैं, विरोध की अगर हम बात करते हैं, तो हो जाएगा 9:4 बेटा। क्या होगा? 9:4, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट बेटा। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की बेटा। किसकी बात करते हैं? 25। ठीक है ना, देखिए भाई ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25। माना ए तथा बी दो घटनाएं तथा ए बार समुच्चय ए का पूरक समुच्चय है, निम्न कथनों का अवलोकन कीजिए। तो पहला आपका कथन दिया हुआ है कि पी ए यूनियन बी लेस एन इक्वल टू होगा बच्चों पी ए प्लस पी बी, जो कि सिंपल सी बात होता ही है, क्योंकि पी ए यूनियन बी जो होता है बेटा ये किसके इक्वल होता है बच्चों आपका? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो कुछ ना कुछ तो सब्ट्रैक्ट होगा ही सही, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका? ये सही है, राइट। अब पी ए बार यूनियन बी की अगर हम बात करते हैं तो देखो ये प्रोबेबिलिटी है, ये क्या 1 प्लस जा रहा है, 1 में कुछ ऐड हो रहा है, और ये प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम 1 हो सकती है, 1 से छोटी होगी तो 1 में कुछ ना कुछ ऐड ही हो रहा था, तो इससे स्मॉलर होगा ही सही। और ये भी सही है कि ये पी ए से क्या होगा बच्चों आपका? बड़ा होगा। स्टैंडर्ड आपका एक कॉन्सेप्ट होता है आपका, ऑप्शन ए भी सही है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है और आपका सेकंड स्टेटमेंट ही सही है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों आपका? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? एक पासे को दो बार फेंका जाता है और ऊपर आने वाली संख्या का योग 6 है, इस बात की प्रायिकता क्या है कि 4 कम से कम एक बार अवश्य आए। ठीक है ना, तो यहां पर अगर हम ध्यान दें इस क्वेश्चन पर, तो एक पासे को दो बार फेंका जाता है, ऊपर आने वाली संख्या का योग कितना बच्चों आपका? 6। तो 6 कैसे बन सकता है कि 1 5 हो जाए, ठीक है ना, 5 1 हो जाए, राइट। और क्या हो सकता है बच्चों आपका? और आपका हो सकता है कि 2 4 हो जाए, 4 2 हो जाए, ऐसे हो सकता है, 3 3 हो जाए, राइट, इस तरीके से आपका हो सकता है। ठीक है, इस बात की प्रतिबंधित प्रायिकता क्या है? अब देखो 6 होने की प्रायिकता कितनी होगी? 5 और 1 6 इसमें भी 6 6 हो रहा है, और तो कोई केसेस बनेंगे नहीं कि आपका सम कितना हो जाए, योग कितना हो जाए आपका? 6 हो जाए। अब 6 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5, मतलब 5/36 हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब इस बात की प्रतिबंधित प्रायिकता क्या है कि 4 कम से कम एक बार अवश्य आए, एक बार अवश्य आए मतलब ये दो केसेस हो जाएंगे आपके। ठीक है, यानी कि 2/36 कितना हो जाएगा? 2/36 / 5/36 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो जाएगा। तो आंसर होगा बच्चों कितना आपका? 2/5 आपका आंसर हो जाएगा बेटा। कितना आएगा मेरे कर्चो? यहाँ पर आंसर आपका 2/5 होगा। कितना होगा? 2/5। तो 2/5 इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20, ये हो गया 26 हो गया। अब बात करते हैं 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि 4 विद्यालयों B1 B2 B3 तथा B4 में बालिकाओं का प्रतिशत क्रमशः 12 20 13 एंड 17 है, इनमें से एक विद्यालय को चुना जाता है और एक छात्र को लिया जाता है। ठीक है ना, और यह देखा जाता है कि वह छात्र एक लड़की है, इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि चुना गया विद्यालय B2 है? तो ये आपके क्या हो गया बच्चों आपका? ये आपका बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों आपको? पहले तो छात्रा की प्रायिकता निकाल दो, टोटल छात्रा की प्रायिकता क्या होगी, लड़की की प्रायिकता क्या होगी? तो हो जाएगी 1/4 × B1 में कितनी है बच्चों आपकी? B1 में बेटा 12 प्लस 1/4 × B2 में कितनी है बच्चों आपकी? 20 प्लस 1/4 × B3 में कितनी है बच्चों आपकी? 13 प्लस 1/4 × कितनी बच्चों आपकी? 17 बेटा। कितनी है आपकी? 17। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पर आ जाएगा 1/4 × B2 की अगर हम बात करते हैं तो B2 में कितनी बच्चों आपकी? 12 20 है बेटा। कितनी है?
20, तो ये 1/4 जो है मेरे पैर से अब कैंसिल आउट हो चुका है, तो ये आएगा 20y कितना हो जाएगा 12, 20, 13 and 17 कितना होगा आपका, एक और ऐड कर लो, 12 + 20 कितना हो जाएगा 32 and 13 होगा बेटा कितना आपका 45 and 10 हो जाएगा आपका कितना 55, ठीक है 55 और 7 कितना हो जाएगा 62, तो ये आंसर आएगा बच्चों कितना 10y 31 बेटा, कितना आएगा 10y 31 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन है 10y 31, 10y 31 किस मारा ऑप्शन बी इज करेक्ट बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बच्चों आपका 28, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो प्रत्येक बार पिछले नंबर से पिछले नंबर की तुलना में बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रयत्न किया, सिंपल सा क्वेश्चन इसमें कुछ नहीं है, टोटल केसेस कितने बनेंगे 216, ठीक है ना, कितने बनेंगे बच्चों आपके 216 बन जाएंगे और यहां पर आ जाएगा आपका 6C3 बेटा, कितना आएगा आपका 6C3, ठीक है ना 6C3 आपका हो जाएगा, तो इसको अगर आप करोगे तो 20 अपॉन कितना आएगा 216, इसको एवेल्युएट कर लो आप लोग, तो कितना बचेगा बच्चों आपके पास, ये बचेगा 6, 5, 4, 5, ठीक है 4×20 ठीक है ना 4×20 मतलब 5/54 इसका आंसर आएगा बेटा, कितना आएगा 5/54 इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है कि 3 डिस्टिंक्ट नंबर को चाहिए तो 6 मार्क पर टोटल आउटपुट होते हैं, तो 6 में से कितने ले लेंगे 3 ले लेंगे बेटा, कितने लेंगे 3, ठीक है तो 6C3 यहाँ पर हो जाएगा, राइट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं 29 क्या कह रहा है बच्चों आपका, यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार है कि पी ए यूनियन बी का बार कितना 1/6 और पी ए इंटरसेक्शन बी कितना 1/4, पी ए बार कितना 1/4, तो ए बार घटना ए का पूरक है, तो घटनाएं ए और बी हैं, कुछ ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा 1 - PA union B हो जाएगा बेटा, कितना PA union B = 1/6, तो यहाँ से PA union B कितना निकलेगा बच्चों, ये निकलेगा 5/6, ये हो जाएगा आपका PA + PB, ठीक है ना, -PA intersection B = कितना बच्चों आपका 5/6 होगा बेटा, कितना होगा 5/6, तो आपका पी ए बार कितना आपका 1/4 है, तो पी ए कितना होगा बच्चों का 3/4, और जब आप पी बी निकालोगे तो बच्चों पी बी आपके पास आएगा कितना 1/3 आएगा बेटा, यहाँ से जब आप इवेल्यूएट करोगे पी बी आएगा बच्चों कितना, आई थिंक पी बी आपका आएगा 1/3, बिल्कुल 1/3 आपका पी बी निकल करके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इक्वली लाइकली तो है ही नहीं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे पी एन टू पी बी कितना आएगा 1/4, तो पी एन टू पी बी अगर 1/4 आएगा तो कैसी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगी, कैसी इंडिपेंडेंट इवेंट यानी कि स्वतंत्र घटनाएं, तो क्या होगा बच्चों इसका आंसर, स्वतंत्र होंगी लेकिन समान रूप से नहीं होंगी बेटा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 29 का ऑप्शन बी होगा बेटा। अब बात करते हैं 30 की बात करते हैं, 30 में क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों आप लोगों से कि भाई 00, 01, 02, 49 ठीक है ना, संख्या लिखी हुई है, 50 टिकटों में से एक टिकट निकाला जाता है, इस बात की प्राथमिकता क्या होगी कि निकाले गए टिकट पर अंकित अंकों का योग 8 ठीक है ना, जबकि दिया है कि इन अंकों का गुणनफल कितना बच्चों आपका 0 बेटा, कितना है अंकों का गुणनफल कितना आपका 0, तो अगर हम बात करें कि भाई अंकों का योग कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, ठीक है, तो कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो आपका 08 हो जाएगा, एक आपका 17 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, अंकों का योग 8 आ जाएगा, एक आपका कितना हो जाएगा बच्चों आपका 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों आपका 27 ठीक है ना, तो कितना 17 हो गया, और एक कितना हो जाएगा आपका 26 होगा, राइट, एक 26 हो जाएगा, एक कितना होगा आपका 335 ठीक, एक होगा बच्चों आपका कौन सा 44 हो जाएगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब इसकी प्राथमिकता कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 5/ कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा कितना 5/50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/50 कि अंकों का योग कितना हो जाएगा 8, जबकि दिया गया है कि इन अंकों का गुणनफल कितना बच्चों 0 है, तो अंकों का गुणनफल 0 कितनी संख्याओं का है, तो आई थिंक 00 का है बेटा, कितना है 00 है आपका, राइट ठीक है ना, 01 है, 02 है ठीक है ना, इसी तरीके से आपका आएगा 02 से लेकर के 09 आएगा, 09 के अलावा भी आपकी कुछ संख्या बनेंगी, जैसे 10 बन जाएगी, क्या बनेगी बच्चों, एक टिकट आपका 10 वाला होगा, 20 वाला होगा, 30 वाला होगा, 40, तो टोटल हम काउंट करेंगे 14 हो जाएंगे, कितने 14, तो इसकी प्रॉबिलिटी कितनी होगी 14/50 ठीक है ना, तो ये कंडीशनल प्रॉबिलिटी क्वेश्चन है, इसको 14/50 से क्या कर देंगे डिवाइड, क्योंकि ये दिया हुआ है तो कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा बच्चों आपका 5/14 आंसर निकल कर आएगा बेटा, कितना आएगा 5/14, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट बेटा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है बच्चों आप लोगों से, ये कह रहा है बच्चों यदि यादृच्छ प्रयोग में ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार है कि पी ए यूनियन बी 4/5, पी ए बार यूनियन बी बार कितना बच्चों आपका 7/10 है, पी बी कितना 2/5 है, देन पी ए किसके बराबर होगा, क्लियर, तो एक काम कीजिए आप लोग
क्या काम करेंगे, तो ये जो है ये हो जाएगा आपका पी ए इंटरसेक्शन बी, बार हो जाएगा 7/10 हो जाएगा, और ये कितना होगा 1 - P A इंटरसेक्शन बी बराबर 7/10, ठीक है ना। कितना हो जाएगा बच्चों आपका 7/10 हो जाएगा, कितना होगा बच्चों आपका यहाँ पर ये 7/10 निकल करके आ जाएगा, क्लियर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी कितना निकलेगा, दैट विल इक्वल्स टू 3/10 बेटा, कितना निकलेगा 3/10 आपका निकलेगा, ठीक है। अब पी ए यूनियन बी कितने के बराबर बच्चों आपकी 4/5 के बराबर है, तो ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, दैट विल इक्वल्स टू 4/5, कितना हो जाएगा बच्चों आपका 4/5 आपका होगा बेटा, ठीक है ना, इक्वल्स टू होगा 4/5 आपका हो जाएगा, राइट। अब पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा बच्चों आपका 4/5 हो जाएगा। अब पी ए कितना बच्चों आपका, पी ए तो हमको निकालना है, पी एम को निकालना है, पी बी कितना बच्चों आपका, पी बी बच्चों 2/5, और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना बच्चों आपका, वो है 3/10, इक्वल्स टू कितना होगा 4/5। जब आप इसको एवेल्युएट करोगे बेटा, जब आप इसको एवेल्युएट करोगे तो आपके पास जो आंसर निकल कर के आएगा बेटा वो आएगा 7/10 बेटा, कितना आएगा आपका 7/10, ठीक है। इसको एवेल्युएट कर लेना, यहाँ से आप पी ए इजीली निकाल सकते हो, एंड दैट विल इक्वल्स टू 7/10 आपका होगा बेटा, कितना होगा 7/10। दिस इज क्वेश्चन नंबर 31 है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 31। अब बात करते हैं 32 की, 32 क्या कह रहा है बच्चों आपसे, एक द्विपद वितरण में माध्य कितना दिया हुआ बच्चों आपका 15 दिया हुआ है, प्रसरण कितना बच्चों आपका 10 दिया हुआ है, क्लियर हुआ कि नहीं। यानी कि एन पी बराबर कितना है, पी जो है वो सक्सेसफुल की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, एन पी क्यू, और एन जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है ये कितना 10 के बराबर है, ठीक है। तो ये 1/Q कितना आएगा बच्चों आपका, ये आ जाएगा 3y, कितना आएगा 1/Q, इसको डिवाइड कर दीजिए, ये एन पी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, क्यू इक्वल टू कितना 10, तो क्यू बराबर आ जाएगा कितना एन पी, एक एन पी कितना 15, एक सेकंड 15, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 15 5 × 10 मतलब 2/3 क्यू, तो पी बराबर कितना आ जाएगा 1/3, तो पी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी, तो एन इंटू 1/3 इक्वल टू 15, एन बराबर आएगा बच्चों कितना 45 बेटा, कितना एन बराबर 45। सो हमसे पूछा है कि एन का वैल्यू पूछा है, एन का मान कितना आ जाएगा बच्चों आपका 45 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हो, किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, देखिए 33 क्या कह रहा है, 1 + sin A / 1 - sin A -1 - sin A / 1 + sin A, ठीक है। अब इसमें एलसीएम वगैरह जब आप लोगे बेटा, उसको मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है। इसमें जब आप एलसीएम वगैरह लोगे, कैसे करोगे इसको, 1 + sin A² - 1 - बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ है भी नहीं, और नीचे आ जाएगा 1 - sin² A, दैट इज ये आपका हो जाएगा cos² A हो जाएगा बेटा, कितना होगा मेरे पे बच्चों 1 - sin² A, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, इसका आंसर अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी आएगा इसको, आप जब सॉल्व करोगे बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसके अंदर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन 33। अब बात करते हैं बच्चों किसकी बात करते हैं हम लोग, 34 की बात करते हैं बेटा, 34 पर आ जाएं फटाफट से, तो 34 ये रहा आपके सामने, ठीक है। ये भी बहुत आसान सवाल है, ठीक है। इसमें कैसे करेंगे हम लोग, देखो cos 10° + sin 20° लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा cos 10° + sin 20 को लिख सकते हो बेटा cos 70°, ठीक है। डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बच्चों आपका, यहाँ पर हो जाएगा cos 20° - sin 10° को लिख सकते हैं cos 80°, राइट। अब एक काम करो, यहाँ पर cos C + cos D लगा दो, यहाँ पर लगा दो cos C - cos D, जब आप यहाँ पर cos C + cos D लगाओगे तो इसका जो आंसर निकल करके आएगा दैट इज √3 के इक्वल आएगा बेटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर cos C + cos D लगा दोगे 2 cos C + D/2, यानी कि 10 + 70 = 80/2 = 40, ठीक है ना, 40 आपका हो जाएगा, और cos C - cos D/2 दैट इज 30°, डिवाइड बाई हो जाएगा -2 sin C + D/2 दैट इज 50°, ठीक है, और sin C - D/2 दैट इज +30°, राइट। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बताया 10 30 कितना होता है बच्चों आपका 1/√3 होता है बेटा, एक सेकंड में गड़बड़ तो नहीं कर दिया, कितना आएगा बच्चों आपका, एक सेकंड गाइस, cos 10° + cos 70° कितना हो जाएगा आपका 2 cos C + D/2, ठीक है ना, यानी कि cos 40°, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, 80/2 कितना होगा आपका 40, एंड 10 - 7 = 60/2 करो 30° हो जाएगा, ठीक है, ये भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पर, और ये हो जाएगा +2 sin C + D/2 यानी कि 50°, एंड sin C - D/2, ठीक है ना, यानी 20 - 80 = 60/2 करेंगे 30, तो sin 30° आ जाएगा, बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा cos 30°, बिल्कुल सही भाई, ये कितना था cos 30°, तो ये हो जाएगा आपका कितना √3/2 होगा बेटा, ये कितना 1/2, तो कितना आएगा आंसर आपका √3 आ रहा है बेटा, कितना रहा आपका √3 ही आपका आंसर आएगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 34। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, 35 में एक काम करना है आपको, कुछ नहीं करना है, जो sin 86° लिखा हुआ उसको लिख लो बेटा 2 sin 43° cos 43°,
और जो लिखा हुआ है साइंस, इसमें साइंस सी माइनस साइन डी लगा दो बेटा, क्या लगा दो, साइंस सी माइनस साइन डी। तो साइंस सी माइनस साइन डी लगाओगे तो ये हो जाएगा टू साइंस सी प्लस डी बाई टू, कितना होगा टू साइंस सी प्लस डी बाई टू, तो ये हो जाएगा कितना 4 5 1, बाई टू करोगे तो 2 7 14 और 1 77, कितना बच्चा आपका 77 आपका यहाँ पर आ जाएगा साइंस 77 एंड 2 sin 77, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों आपका cos 77 होगा बेटा, कितना होगा 2 cos 77 बेटा, कितना होगा 2 cos 77 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आएगा sin c माइनस डी बाई टू, यानी कि 120 में से 34 जाएगा, कितना बचेगा 120 में से 34 जाएगा, तो ये बचेगा 6, ठीक है ना, और 12 में से 3 जाएगा कितना 9, ठीक है, ये आएगा ना आपका, एक सेकंड गाइस, तो मेरे हिसाब से यही निकल करके आपका आएगा, ठीक है। साइंस सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर, तो 120 में से 34 जाएगा तो कितना आएगा आपका, क्योंकि ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा कॉस 43 डिग्री, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 साइन 34 डिग्री माइनस साइन 120 डिग्री है, साइंस सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, दैट इज 4 और 3 और 5, 2 से डिवाइड करोगे 2 7 14, ठीक है, एक बचेगा 2 7 77, ये भी सही है आपका 77, ठीक है 77। और ये कितना आएगा बच्चों आपका, ये आएगा आपका 120 में से 34 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों आपके पास, ये बचेगा 6, 10 में 6 जाएंगे 6, 4 में जाएंगे, यहाँ पर बचेगा 1, 11 में से 3 जाएंगे 8, 86 बचेगा, बाई 2 करोगे कितना होता है बच्चों आपका 43 डिग्री, कितना बच्चों आपका 43 डिग्री, ठीक है, साइन 43 डिग्री राइट, ये आएगा साइन 43 डिग्री, बट नेगेटिव आएगा, कैसा आएगा बच्चों आपका नेगेटिव, उसमें से करोगे कितना आएगा मेरे पैर बच्चों आपका, ये नेगेटिव आएगा बेटा, क्या आएगा नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव अगर आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस राइट। अब काम करो 2 sin 43 डिग्री निकाल दो, 2 sin 43 कितना होगा cos 43 डिग्री माइनस cos 77 डिग्री, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे फिर अगेन यहाँ पर cos c माइनस cos d आपको लगाना पड़ेगा, और इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज 2√3 sin 43 डिग्री एंड sin 77 डिग्री, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, cos c माइनस cos d आप लोग लगा लेना, आपका ये आंसर मैच कर जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 35, दिस इज क्वेश्चन नंबर 35। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं 36 भी काफी आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, एक इक्वेशन तो ये वाली हो जाएगी आपकी, मतलब साइन ए ठीक है ना माइनस √6 cos a बराबर कितना हो जाएगा आपका √7 cos a, एक इक्वेशन तो आपका ये वाला हो जाएगा, क्लियर। और एक इक्वेशन यहां से बना लो बेटा जो है cos a ठीक है, cos a प्लस √6 sin a राइट, और इसको a मान लो या x मान लो बेटा, इसको क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, इस x का वैल्यू ही हमको निकालना है, दिस इज सेकंड इक्वेशन बेटा, क्या सेकंड इक्वेशन। अब एक काम करेंगे इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर करेंगे ठीक है ना, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, ऐड करोगे तो आपके पास यहां से जो x निकलेगा वो निकलेगा प्लस माइनस √7 sin a निकलेगा बेटा, कितना निकलेगा x, क्या निकलेगा प्लस माइनस √7 sin a, यानी cos a प्लस √6 sin a की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी प्लस माइनस √7 sin a निकलेगा, हमारे पास जो आंसर वो कौन सा आपका √7 sin a, आप इसको फर्दर कैलकुलेट कर लेना आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है, दैट इज √7 sin a आपका आंसर आएगा राइट, ठीक है। अब बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है बच्चों आपसे, tan 40 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री प्लस √3 tan 20 डिग्री tan 40 डिग्री। अब एक बात बताइए, जो tan 60 डिग्री होता है बेटा ठीक है, tan 60 डिग्री जो है राइट, tan 60 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 40 प्लस 20, बोलो हाँ है ना, एंड दैट विल इक्वल टू हो जाएगा tan 40 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री हो जाएगा, tan a प्लस b का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 माइनस tan 40 tan 20 डिग्री। अब tan 60 कितना होता है √3 होता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा √3 माइनस √3 tan 40 tan 20 हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा आपका tan 40 प्लस tan 20, tan 40 प्लस tan 20 आपका हो जाएगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो इसमें √3 tan 20 tan 40 ऐड हो रखा है, ऐड हो रखा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो इसकी जगह पर tan 40 tan 20 की जगह पर आप ये वाला डाल दीजिए √3 माइनस √3 tan 40 tan 20, तो ये क्या होगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा सिर्फ √3 बचेगा, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट बेटा, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 37। अब बात करते हैं 38 की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं 38, ओके क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, यदि cos अल्फा प्लस बीटा कितना 4/5 है, sin अल्फा माइनस बीटा कितना 5/13 है, तो मुझे जो tan 2 अल्फा निकालना है, तो सिंपल सी बात है काम करते हैं, इसमें क्या काम करते हैं भाई,
कॉस ऑफ, मैं निकाल लेता हूँ कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, मतलब ये काम करने वाला हूँ, कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, प्लस अल्फा माइनस बीटा, यहाँ से कॉस टू अल्फा निकाल लूंगा, एंड दिस इज कॉस, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो आप यहाँ पर, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा, राइट, याद आएगा बच्चों कितना आपका साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, माइनस आएगा बीच में, राइट, यहां से आपका निकलेगा दिस इज कॉस टू अल्फा, क्या निकलेगा कॉस टू अल्फा, एंड कॉस टू अल्फा आपका निकलेगा कॉस अल्फा प्लस बीटा कितना बच्चों आपका 4/5, ठीक है ना, इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा कितना है वो हो जाएगा आपका 12/13 माइनस यहां से निकलेगा आपका साइन अल्फा प्लस बीटा निकलेगा 3/5 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा आपका 5/13 गिवन है, तो 5/13 आ जाएगा, दिस इज 48/65 माइनस 15/65 दैट विल इक्वल टू 33/65 कितना 33/65, तो कुल मिलाकर के आपका कॉस 12 आया 33/65। इसी तरीके से सिमिलरली हम लोग साइन 12 निकालेंगे, कैसे साइन 12 निकालेंगे आप लोग अपने साइड से इवेल्यूएट कर लेना, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मुला आप लोग यहां पर लगा देना, क्लियर हुआ कि नहीं, वैसे साइन 12 निकलेगा एंड साइन 12 विल इक्वल टू 56/65, इनको इससे ऐड करोगे तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 38, अब बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या करेंगे, यहां से आपका बीटा निकलेगा 5/2 माइनस अल्फा, बोलो हाँ है ना, यहां से आपका गामा निकलेगा अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, अब यहां पर दोनों तो टेन अप्लाई कर दीजिए आप लोग, जब आप टेन अल्फा अप्लाई करोगे तो टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आपका टेन गामा इक्वल टू, सॉरी दिस इज टेन गामा, ठीक है ना, टेन गामा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाई 1 plus tan alpha tan beta, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, अब देखो tan alpha tan beta और tan दोनों तरफ लो लो बेटा, ले लो बेटा यहाँ पर tan beta कितना हो जाएगा cot alpha, कितना होगा cot alpha हो जाएगा, तो इस tan beta की जगह पर आप cot alpha put कर दो, जैसे ही आप cot alpha put करोगे बच्चों तो आपको क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है, टू हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 tan gamma इज इक्वल टू tan alpha माइनस tan बीटा, तो कुल मिलाकर के यहां से टेन अल्फा जो निकलेगा दैट विल इक्वल टू टेन बीटा प्लस 2 tan gamma आपका आंसर हो जाएगा, आप ऑप्शन मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट, टेन बीटा प्लस 2 tan gamma यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 39। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है साइन की पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x, ये निकालना, एक काम करो इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 sin² x कॉस स्क्वायर एक्स, क्लियर, ठीक है, ये कितना हो जाता है आपका 1 होता है, तो 1 माइनस ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा साइन 2x का स्क्वायर, sin² 2x, राइट, sin² 2x आपका हो जाएगा, क्लियर, ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, वो कह रहा है न्यूनतम मान निकालना है, बट क्या निकालना है न्यूनतम, तो न्यूनतम कब होगा जब ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि नेगेटिव हो रखा है, ये नेगेटिव वाला मैक्सिमम होना चाहिए, ये मैक्सिमम कितना होगा 1, तो 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 1/2 आपका न्यूनतम मान होगा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी इज करेक्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 40, क्लियर, चलिए जय हिंद बच्चों, तो आपका मॉक टेस्ट आपने दिया ही होगा, तो अब उन क्वेश्चनों का सोल्यूशन देख लेते हैं, आपने जो क्वेश्चन किए हैं तो उनमें कहाँ मिस्टेक आई, कितने सही है, क्या है, उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे, तो हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं 41 से लेकर 60 क्वेश्चन तक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखो इसको इस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका, और इसमें टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 1/3 प्लस का 3/4 अपॉन में 1 माइनस का 1/3 इंटू 3/4 इक्वल्स टू में हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन 3। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका टेन इनवर्स, इसे सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 4 प्लस का 9 अपॉन में 12 आएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12 माइनस 3, तो 12 में से 3 को माइनस करेंगे
तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 आएगा तो ये आ जाएगा 9, और यहाँ पर आ जाएगा आपका tan इनवर्स x अपॉन 3। तो tan इनवर्स ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो आपका कितना बचा, ये बचेगा आपका 13, और इसके अपॉन हम 9 अपॉन 12 भी आया हुआ, 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 13 अपॉन 9 इक्वल्स टू x अपॉन 3। तो 3 से ये 9 कैंसिल कर देंगे तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ से x का जो मान आएगा वो आपका आ गया x इक्वल्स टू 13 अपॉन 3। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 टैन इनवर्स का फॉर्मूला है, ये भी 2 टैन इनवर्स का फॉर्मूला है, और ये भी आपका 2 टैन इनवर्स का फॉर्मूला है। तो इनको फॉर्मूले को हम पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2 टैन इनवर्स एक्स, और यहाँ भी आ जाएगा, ये भी 2 टैन इनवर्स का है, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 2 टैन इनवर्स एक्स, और ये भी 2 टैन इनवर्स का है, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 इंटू 2 टैन इनवर्स, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स, और माइनस का लिखा ही आपका टैन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 5 पाई, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये 10 आएगा, 10 टैन इनवर्स एक्स, और ये आ जाएगा प्लस का 14 टैन इनवर्स एक्स, माइनस का 8 टैन इनवर्स एक्स, और माइनस का टैन इनवर्स एक्स बराबर 5 पाई। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 माइनस 24 में से माइनस कर देंगे 9, तो इधर आएगा आपका टैन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 5 पाई। अब देखो इसे अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 15, तो यहाँ से आ जाएगा टैन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 5 पाई अपॉन 15, तो 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू 10, और पाई अपॉन 3 होता है 60 डिग्री, तो यहाँ से एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, रूट 3। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, आंसर नंबर डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूट 3। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा है, देखो क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा है, ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो इसमें लिखा है टेन, फिर अंदर लिखा है कॉस इनवर्स माइनस का 2/7 माइनस पाई अपॉन 2। देखो कॉस में आपको फॉर्मूला पता होगा, कॉस में जब भी माइनस थीटा होता है, कॉस में अगर कहीं लिखा हो कॉस इनवर्स माइनस थीटा, तो ये हो जाता आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, जो भी एंगल हो, एक्स हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टेन, बाहर क्या लिखा है टेन ब्रैकेट, तो इसे हम माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स 2/7 और माइनस का पाई अपॉन 2। अगर इसे सॉल्व करोगे, पाई और पाई बाई 2 को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका टेन, यहाँ पर आ जाएगा आपका पाई अपॉन 2 और माइनस का कॉस इनवर्स 2/7, तो ये आपका 2/7 आ जाएगा। आपको पता है पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं टेन, अंदर आ जाएगा साइन इनवर्स 2/7। अब देखो बाहर क्या है टेन, तो हम टेन निकालेंगे तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये 7 हो गया, तो बेस कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 49, 49 में से 4 को माइनस करेंगे तो 45, तो ये आएगा आपका रूट में 45, तो ये रूट में कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। चलिए तो हमें लिखना क्या था, टेन अंदर आएगा आपका टेन इनवर्स, तो ये आ जाएगा टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार लगाएंगे तो 2 अपॉन, और 45 को कितना लिख सकते हैं 3√5, तो 10 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2/3√5। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, ये वाला आंसर कौन सा लिखा है, ए। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो गया ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन है। इसमें यह कहा गया कि आपको दो एंगल गिवन है, 45 डिग्री एक 60 डिग्री। तो इसमें सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा का अनुपात बताना है क्या होगा, यानी कि रेशियो फाइंड करना है क्या होगा। चलिए तो हम सबसे बड़ा कोण निकाल लेते हैं। आपको पता है तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस तीसरा एंगल मान लो हमने सी मान लिया, ठीक है, इसे ए मान लिया, ये बी हो गया, ठीक है। तो ये सी निकालना है आपको, तो ये 180 हो गया। तो यहाँ से सी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 105, तो ये आ जाएगा 75 डिग्री। तो आपका सी एंगल आ गया 75। अब देखो सबसे बड़ा एंगल 75 हो गया, ठीक है, सबसे छोटा 45 हो गया। तो इनकी साइड जो होगी साइन रूल लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा अपना ए अपॉन साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू सी अपॉन साइन 75 डिग्री। अगर इसे सॉल्व करोगे तो ए अपॉन 45 का मान 1 अपॉन रूट टू हो जाएगा इक्वल्स टू सी अपॉन, अगर इसे सॉल्व करोगे तो इसका मान कितना आएगा, साइन 75 का मान आप ऐसे निकाल सकते हो, यहाँ पर लिखेंगे इसे 30 प्लस और कितना हो जाएगा 45। ये 30 प्लस 45 साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो इसका जो मान आएगा जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 1 प्लस का रूट 3 अपॉन 2 रूट 2। तो ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस का और रूट 3 अपॉन 2 रूट 2। रूट 2 से ये रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें किसका निकालना था, सबसे छोटी मतलब ए बाई सी निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, ए बाई सी। तो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जगह नहीं है, तो ए अपॉन सी बराबर ए अपॉन सी, हम सी को इधर ले आए तो एक बन क्या पहुँच जाएगा, उस तरफ पहुँच जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन, इसे हमने ऐसे लिख दिया रूट 3 प्लस 1। अब इसका साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन, यहाँ पर 2 और बचाता, ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आगे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना होता है 2 होता है, इससे ये कैंसिल हो गया। तो a अपॉन c बराबर कितना आएगा आपका, रूट 3 माइनस 1 आएगा, तो a बाई अपॉन में 1। तो इसका जो रेशियो होगा वो 3 रूट 3 माइनस 1 रेशियो 1। तो कौन सा आंसर हो गया, आंसर नंबर a इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जगह थोड़ी कम है तो इसलिए थोड़ा इधर उधर रखना पड़ रहा है, आप लोग मैनेज कर लेना थोड़ा। देखो इसमें कहा गया है कि त्रिभुज के दो कोण 45 डिग्री और एक टैन इनवर्स दिया गया। इस एंगल को हम मान लेते हैं ए, इस एंगल को क्या मान लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं, थोड़ा कलर भी चेंज कर लेते हैं जिससे थोड़ा आपको सही दिखे, ये सही रहेगा। तो इसे हमने ए एंगल मान लिया क्योंकि डिफरेंट रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा, इसे ए मान लिया, इसे हमने बी मान लिया, और तीसरा कोण मान लो सी हमें निकालना है। तो हमें पता होता है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, या पाई लिख सकते हो आप, ठीक है। तो चलिए हमें क्या क्या पता है, 45 डिग्री पता है, यहाँ पर 45 डिग्री आ जाएगा, एक आ जाएगा टेन इनवर्स 2 और प्लस सी, सी को हमने इधर भेज दिया तो ये हो जाएगा 180 को पाई लिख दिया, ये 180 है तो इसे पाई माइनस सी। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1 प्लस का टेन इनवर्स 2 बराबर में पाई माइनस का सी। अब इसमें देखो दोनों का मल्टीप्लाई देखो, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई का। देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये जो फॉर्मूला होता है इसमें आता है आपका पाई प्लस, इसमें क्या आता है आपका पाई माइनस, ये आ जाएगा पाई माइनस टेन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस का एक्स बाई। ये कब आता है, जब आपका एक्स बाई का मान 1 से बड़ा होता है, जब एक्स का माइन एक्स माइनस बाई का मान क्या होगा, एक्स और बाई का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से बड़ा आएगा, तब ये लगता है। तो यहाँ पर देखो अगर आप देखोगे तो एक्स और बाई का जो मल्टीप्लाई है वो क्या आ रहा है आपका, 1 से बड़ा आ रहा है, 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका पाई माइनस का टेन इनवर्स, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस का 2, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, तो यहाँ प्लस आएगा तो 1 प्लस का 2 और 1 माइनस का 2,
और बराबर में लिखा ही है पाई माइनस सी, तो इसे आप सॉल्व करोगे तो पाई, और यहाँ पर कितना आएगा टेन इनवर्स माइनस का थ्री इक्वल्स टू में पाई माइनस सी, ये माइनस यहाँ आ जाएगा पाई से, ये पाई कैंसिल आउट हो गया, तो सी बराबर आ गया आपका टेन इनवर्स थ्री, तो कितना आ गया टेन इनवर्स थ्री, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया सी ऑप्शन करेक्ट। तो इसका कौन सा आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 46। देखो जो क्वेश्चन नंबर 46 है ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसमें ये कहा गया एक पतंग है जो क्षैतिज के साथ थीटा कोण का एंगल है, इसका झुकाव है एलिवेशन है, तो डोरी की लंबाई 120 मीटर है, तो पतंग की ऊंचाई बताइए। देखो इसका डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम इसका जो बनेगा वो ऐसा, ये डोरी हो गई 120 मीटर की और ये एंगल हो गया 60 डिग्री का, ठीक है, और ये हाइट हमें निकालनी है, ये हाइट हमें फाइंड करनी है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब यहाँ से देखेंगे तो हमें देखो हाइट निकालनी है तो हम साइन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसमें साइन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू एच अपॉन 120, तो यहाँ से आ जाएगा रूट थ्री अपॉन टू इक्वल्स टू एच अपॉन 120 डिग्री, तो इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 60 रूट थ्री, तो आंसर कौन सा हो गया इसका, इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 60 रूट थ्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 47। क्वेश्चन नंबर जो 47 है ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि इसका हमें संयुग्मी निकालना है, मतलब इसके कॉन्जुगेट निकालना है, तो जैसे मान लो हमने इसे जेड बार बराबर मान लिया, इसे इक्वल्स टू मान लिया हमने जेड इक्वल्स टू टू ओमेगा स्क्वायर प्लस का थ्री आयोटा, आपको पता है इसका कॉन्जुगेट चाहिए तो जेड बार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टू ओमेगा स्क्वायर इसका बार, और इस पर बार लगाएंगे थ्री आयोटा इसका कॉन्जुगेट, तो यहाँ से आ जाएगा जेड बार इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर का जो कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा होता है, और ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है, ये दूसरे के दूसरे कॉन्जुगेट होते हैं, तो यहाँ से टू ओमेगा आएगा और आयोटा का कॉन्जुगेट होगा माइनस आयोटा, तो यहाँ पर माइनस थ्री आ जाएगा, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा लिखा है टू ओमेगा माइनस थ्री आयोटा, तो टू ओमेगा माइनस थ्री आयोटा ऑप्शन नंबर ए, तो इसका आंसर कौन सा हो गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 48। देखो इसमें ये लिखा है कि इक्वल्स टू वन, अब एन का न्यूनतम धनात्मक मान क्या होगा जो इनमें से सेटिस्फाई कर दे। देखो इसे आपको पता होगा, इसे सॉल्व करते हैं तो इसका मान कितना आता है, ये आयोटा आता है, सॉल्व करने पर कितना आता है आयोटा इक्वल्स टू वन, तो एन का क्या न्यूनतम मान होना चाहिए आंसर बना जाए, तो आपको पता है एन का मान क्या होना चाहिए फोर, तो इसमें फोर दिया नहीं गया है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा डी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। देखो क्वेश्चन नंबर 49 में आपको क्या पूछा गया, आपको मॉडुलस निकालना है और आर्गुमेंट निकालना है, ठीक है, मापांक और कोणांक निकालना है, मापांक कोणांक को मॉडुलस और आर्गुमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं या डायरेक्ट फाइंड कर लो, मापांक को डायरेक्ट निकाल सकते हो, जेड इक्वल्स टू से मान लिया हमने वन प्लस का आयोटा रूट थ्री, और यहाँ पर टू प्लस का टू आयोटा अपॉन में रूट थ्री माइनस के आयोटा, इसका मॉडुलस निकालना है तो मॉड जेड इक्वल्स टू हो जाएगा इसका मॉड वन प्लस आयोटा रूट थ्री का मॉड, और ब्रैकेट में इसमें मॉड टू प्लस का टू आयोटा अपॉन में रूट थ्री माइनस का आयोटा इसका मॉड, तो सभी का मॉड फाइंड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा इसका मॉड, ये मॉड कितना आएगा आपका, ये टू आएगा, इसका मॉड निकालेंगे तो टू रूट टू आएगा, और इसका मॉड निकालेंगे तो ये अभी टू आएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका मॉडुलस आ गया टू रूट टू, तो टू रूट टू तीन ऑप्शन में है, तो हमें आर्गुमेंट भी फाइंड करना पड़ेगा, ये मॉडुलस आ गया, अब आर्गुमेंट देख लेते हैं, तो इसका आर्गुमेंट देखते हैं, आर्गुमेंट क्या होगा देखो मॉड जेड जो आया था आपका, हमने इसे जेड बराबर मान लिया था, मॉड जेड टू रूट टू आ गया था, ठीक है, अब इसका हम निकाल लेते हैं आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड अगर हम निकालेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ वन प्लस
आयोटा रूट थ्री प्लस आर्गुमेंट जो होता है वो लॉग की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ टू प्लस का टू आयोटा, और माइनस का हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ रूट थ्री माइनस आयोटा। ठीक है, ये माइनस आयोटा लिखा है, माइनस का आयोटा। अब सभी का आर्गुमेंट निकालेंगे, तो यहाँ पर निकाल देते हैं। इसका आर्गुमेंट आप निकालोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसका होगा टेन इनवर्स रूट थ्री अपॉन वन, तो इसका हो जाएगा आपका टेन इनवर्स रूट थ्री अपॉन वन प्लस का, इसका हो जाएगा टू अपॉन टू, वन हो जाएगा डायरेक्ट, तो इसको लिख देते हैं टेन इनवर्स टू अपॉन टू, तो माइनस का टेन इनवर्स इसका कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, देखो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है आपको, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसका माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा वन अपॉन रूट थ्री। अब इसका मान कितना होता है आपको पता है, इसका मान होता है ये साठ टेन वर्स में साठ सिक्सटी की वैल्यू है, तो ये मान हो जाएगा आपका पाई अपॉन थ्री प्लस का, ये पाई अपॉन फोर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका पाई अपॉन सिक्स। इसे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो एलसीएम आपका 24 आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 पाई, ये आएगा आपका 8 पाई प्लस का, ये 6 पाई प्लस का, और ये कितना आएगा 4 पाई। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये हो गया आपका 18 पाई अपॉन 24, इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 पाई अपॉन 4, कितना आ गया 3 पाई अपॉन 4, तो कौन सा ऑप्शन हो गया 3 पाई अपॉन 4 एक ही ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, क्योंकि मॉडुलस हमारा 2 रूट 2 आया था और आर्गुमेंट हमारा क्या आ गया 3 पाई बाई 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 50 भी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का ही, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ये वाली इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो ये जो इक्वेशन है इसके दो रूट आएंगे, इसके दो रूट कौन से आएंगे, एक आता है आपका ओमेगा और एक आता है ओमेगा स्क्वायर। आप धराचार फार्मूले से जब सॉल्व करोगे इसको तो जेड के मान दो आते हैं, एक आता है माइनस वन प्लस आयोटा रूट थ्री अपॉन टू, तो इसमें एक को ओमेगा बोला जाता है, एक को ओमेगा स्क्वायर बोला जाता है। ठीक है, तो दो रूट आ गए, तो इनमें से कोई एक वैल्यू हमने यूज कर ली, तो हमने मान लो जेड बराबर ओमेगा यूज कर लिया, हमने जेड बराबर क्या मान लिया ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर को छोड़ रहे हैं, कोई एक वैल्यू ले लो क्योंकि एक समरूप संख्या है, जेड क्या है एक समरूप संख्या है, तो हमने जेड को ओमेगा मान लिया। अब यहाँ पर ओमेगा रखोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपको ओमेगा प्लस वन अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस, ये आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस वन अपॉन ओमेगा का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट चलता रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा ओमेगा की पावर सिक्स प्लस वन अपॉन ओमेगा की पावर सिक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा प्लस वन अपॉन ओमेगा जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है, तो इसका होल स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस इसका मान हो जाएगा ओमेगा, और तीन वाला जो मान होगा यहाँ भी ओमेगा तीन आया होगा, तो ये वन प्लस वन हो जाएगा, ऐसे ही प्लस ओमेगा जो पाँच वाला होगा, ये तीन वाला था चार वाला, तो यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर सभी के स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, प्लस पाँच वाला जो होगा उस पर भी ओमेगा स्क्वायर आएगा और ओमेगा आएगा, ठीक है, और सिक्स वाला होगा कि इसका भी मान वन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वन प्लस वन इसका होल स्क्वायर, तो इसका मान माइनस वन होता है, माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो वन आएगा, इसका मान भी माइनस वन, वन का स्क्वायर कर माइनस वन का स्क्वायर करोगे वन आएगा, ये फोर हो जाएगा, इसका मान वन, इसका मान भी वन और इसका मान फोर, तो इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ट्वेल्व, तो इसका मान कितना हो गया, आंसर ट्वेल्व हो गया। ठीक है, कौन सा आंसर हो गया बी। तो इसे आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, डायरेक्ट कैसे याद रखोगे, डायरेक्ट आपको बता देते हैं। देखो इसमें अगर आप रखोगे जेड की वैल्यू आपने क्या रखी ओमेगा, तो ओमेगा की जो पावर है वो कितनी है वन, तो ये भी तीन से डिवाइड नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस वन, जो भी ओमेगा की पावर तीन से डिवाइड नहीं होंगी तो उनका मान माइनस वन, तो इसका भी मान माइनस वन, इसका अगर तीन से डिवाइड हो रहा है तो इसका मान हो जाएगा आपका टू और इसका भी मान क्या हो जाएगा टू, और बीच में जो आपके चार और पाँच छूटे हैं उनका भी मान माइनस वन होगा और यहाँ भी माइनस वन होगा, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा सभी का स्क्वायर, इन सभी का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12। आप ऐसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, जो भी ये कंसेप्ट ये होता है
कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ओमेगा प्लस ये ऐसा लिखा जाता है, पूरा कंसेप्ट आपको बता देते हैं। अगर कहीं ऐसा लिखा है ओमेगा की पावर आर प्लस वन अपॉन ओमेगा की पावर आर, तो इसके दो आंसर होते हैं। अगर ये आर जो है 3n, 3 का मल्टीपल है तो इसका आंसर 2 होता है। अगर ये r जो है 3 का मल्टीपल नहीं है तो इसका आंसर माइनस 1 होता है। इस कंसेप्ट से इसका आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में लिखा है कि इनमें से कौन सा सही है। एक ये इक्वेशन दी गई है हमें, ठीक है, इसमें बताना है केवल एक पूर्णांक मूल होगा, कोई नहीं, तो ये चार में से ऑप्शन देखना है। देखो आपको पता है इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू 3, एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया 3। लेकिन क्या हुआ, ये जो वैल्यू लिखी है एक्स माइनस 3 ये अपॉन में लिखी है, तो इसका मतलब एक्स माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स नॉट इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू यहाँ से कह रहा है x इक्वल टू 3 और यहाँ कह रहा है x नॉट इक्वल टू 3, तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो नो सोल्यूशन होगा। तो नो सोल्यूशन मतलब कोई मूल नहीं, तो कौन सा आंसर हो गया b, इसका आंसर हो गया b, कोई मूल नहीं। ये कह रहा है x बराबर 3 होगा, ये कह रहा है x बराबर 3 नहीं होगा, तो इसका मतलब ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में ये लिखा है कि एक अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं और अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू जो है इसकी वैल्यू बतानी है। तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का आपको फार्मूला पता ही होगा, तो ये क्या होता है आपका अल्फा क्यू जो होता है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू ये इक्वल्स टू होता है आपका अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा। अब आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता ही है, अल्फा प्लस बीटा हमारा होगा 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा हमारा 4, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हो गई 2 और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 अल्फा बीटा। तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 ये हो जाएगा 4 माइनस के 12 और यहाँ पर कितना बचेगा 8 तो माइनस का 16, तो कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा बी माइनस 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके अल्फा बीटा रूट है, ठीक है। अब एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके ये दोनों रूट हैं, ठीक है, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके ये रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा पहले लिख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आ जाएगा 5 माइनस 5 और अल्फा इंटू बीटा जो होगा हमारा 4 आएगा, ठीक है। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब बना लेते हैं, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो ये आता है एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट्स, तो यहाँ आ जाएगा अल्फा प्लस 2/3 प्लस का बीटा प्लस 2/3, बाहर एक्स आएगा प्लस दोनों का मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा अल्फा प्लस 2/3 इंटू में बीटा प्लस 2/3 और इक्वल्स टू में 0, इक्वल्स टू में 0 रहेगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर एलसीएम सेम है तो ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 4/3 और बाहर एक्स है प्लस इनका मल्टीप्लाई करोगे तो अपॉन में आ जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पर आएगा अल्फा बीटा प्लस का 2 कॉमन आएगा और ब्रैकेट में आएगा अल्फा प्लस बीटा और 2 2 4 हो जाएगा और ये पूरा ब्रैकेट 1 और इक्वल्स टू में 0। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप वैल्यू रखोगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -5, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह -5 रखेंगे तो 4 माइनस करेंगे इसमें से, तो कितना आएगा ये आ जाएगा आपको डायरेक्ट लिख रहे यहाँ पर, तो ये आएगा आपका -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा एक्स अपॉन 3 और यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, अल्फा बीटा की वैल्यू 4 है तो 4 4 8 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2/9 इक्वल्स टू 0। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9x² प्लस का 3x-2 इक्वल्स टू 0। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा लिखा है आपका, ये जो ऑप्शन लिखा है सी ऑप्शन 9x² प्लस का 3x-2, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54।
क्वेश्चन नंबर 54 में देखो, आपको ये कहा गया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स जो हैं साइन अल्फा और कॉस अल्फा हैं। तो आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा। तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा आपका माइनस क्यू बाई पी, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू बाई पी। तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका आर बाई पी। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया। तो जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू में हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर। इसका मान आपको पता है वन होता है, तो इसका मान वन रख देंगे प्लस टू। इसका मान कितना है, आर बाई पी है, तो इसका आर बाई पी रख देंगे इक्वल्स टू में क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अब इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, जैसे ही एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस का टू आर पी आएगा और इक्वल्स टू में क्यू स्क्वायर। तो हम क्यू स्क्वायर को धन ले आते हैं, तो पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर प्लस का टू आर पी इक्वल्स टू जीरो। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा आ गया आपका, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस का टू आर पी, तो प्लस का टू आर पी, तो कौन सा ऑप्शन हो गया बी, तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर जो 55 है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए तो इसका पहले कंसेप्ट समझ लो। देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, जैसे मान लो ऐसा लिखा हो p प्लस रूट में q इसकी होल पावर, मान लो एफ एक्स या पी एक्स लिख दिया, कोई भी आपका पॉलिनोमियल हो सकता है यहाँ पर, और प्लस लिखा हो और p माइनस का रूट q लिखा हो और ये भी पी एक्स हो, और इन दोनों का जो सम होना चाहिए वो 2p के बराबर होना चाहिए। ऐसा कभी भी होगा तो जो पी एक्स का जो मान होगा तो पी एक्स बराबर होगा प्लस माइनस वन के। तो यही वाला इसमें कंसेप्ट लगाने वाले हैं। देखो ये पी प्लस क्यू लिखा है, तो ये पी प्लस क्यू हो गया हमारा, अभी आपको पी माइनस क्यू नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। इसको हम ऐसा करते हैं, इसको वन अपॉन लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका थ्री प्लस का टू रूट टू, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एट प्लस का, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस पावर को नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका थ्री प्लस का टू रूट टू, और इसकी पावर आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एट, इसकी जो पावर आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एट। आप इसे सॉल्व करोगे तो ये जो क्वेश्चन होगा आपका बन जाएगा थ्री प्लस का टू रूट टू इसकी होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस एट प्लस का, इसे आप वन अपॉन इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपका थ्री माइनस का टू रूट टू होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस एट, और इसके इक्वल्स टू में लिखा था आपका सिक्स, तो यहाँ पर इसका इक्वल्स टू में आ जाएगा सिक्स। अब देखो इन दोनों का अगर हम सम करते हैं, इसका सम और इसका सम, तो किसके बराबर आ रहा है, सिक्स के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एट इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस वन के। तो यहाँ से प्लस साइन लेते हैं, जैसे ही आप प्लस साइन लोगे, प्लस साइन लेने पर ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू नाइन आएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस थ्री आएगा, और जैसे ही आप माइनस साइन लोगे तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सेवन आएगा। तो यहाँ से देखो तो इसको अगर माइनस साइन लोगे तो एट को उधर ले जाएंगे, एट प्लस का होगा और एक्स माइनस का, तो ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस रूट सेवन। तो आपको रूट सेवन वाला आंसर दिया नहीं गया, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। तो इसका आंसर हो गया सी नंबर, ठीक है, प्लस माइनस रूट थ्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर जो 56 है आपका, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। तो इसमें ये कहा गया कि x और x बाई और बाई x दोनों ही अस्तित्व में हो, तो आपको बताना है। देखो x जो दिया गया हमें, x जो है इसका जो हमें रो दिया गया a प्लस बी, ठीक है, रो कितनी है इसकी a प्लस बी, और स्तंभ है 2। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस टू। अब जो बाई है, बाई में क्या दिया गया आपका, बाई में पंक्ति दी गई बी प्लस वन, बाई की जो पंक्ति है वो कितनी है, बी प्लस वन है, और इसकी जो पंक्ति कॉलम है
वो a प्लस थ्री है, ठीक है, स्तंभ जो है। अब एक्स वाई पॉसिबल कब होता है, अगर एक्स वाई के लिए देखें, एक्स वाई अगर पॉसिबल होगा तो ये तभी पॉसिबल होता है कब, जब इसका कॉलम इसके पंक्ति के बराबर हो। तो इसका मतलब ये हो गया a प्लस टू बराबर होगा b प्लस वन के, तो यहाँ से आपका a माइनस बी बराबर आ जाएगा आपका माइनस वन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और बाई एक्स कब पॉसिबल होगा, अगर बाई एक्स की बात की जाए, ये पॉसिबल कब होगा, पॉसिबल जब इसका कॉलम इसके रो के बराबर होगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका a प्लस थ्री इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से b बराबर आ गया आपका थ्री। तो b का मान थ्री है, तो a का मान कितना आ जाएगा, b का मान इसमें पुट कर देते हैं, b का मान थ्री रखेंगे और इसको थ्री को उस तरफ ले जाओगे, तो a का मान कितना आ जाएगा आपका टू आ जाएगा। तो a का मान टू है, b का मान थ्री है, b का मान कितना आया था आपका थ्री, तो a टू b थ्री, इसमें a पहले लिखा है b बाद में लिखा है, तो a का मान टू आया, b का मान थ्री, कौन सा ऑप्शन हो गया b, तो इसका कौन सा आंसर होगा b। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। इसमें ये कहा गया कि a जो है एक परिवृत्त, इसका जो परिवृत्त है वो a डैश है, तो आप इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये दोनों स्टेटमेंट बताने हैं। तो चलिए हमने इसको मान लिया p, इसको मान लिया p इक्वल्स टू a प्लस का a ट्रांसपोज। अब अगर इसका हम ट्रांसपोज करें, p ट्रांसपोज निकालें, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस का a डैश या a ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज। तो आपको पता है ट्रांसपोज में क्या होता है, सीधा सीधा ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, और ए का ट्रांसपोज है फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो ए आ जाएगा। तो इसका मतलब पी ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर आ गया, पी के। अगर पी ट्रांसपोज पी के बराबर आ जाए तो हम बोलते हैं ये कैसा होता है, सममित होता है। कैसा होता है, सममित होता है, इसको सममित को बोलते हैं इंग्लिश में सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक हो गया। चलिए अब दूसरा वाला स्टेटमेंट चेक करते हैं, तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा चेक कर लेते हैं, दूसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं। देखो हमने इसको मान लिया Q, तो Q बराबर हमारा हो गया A माइनस का A ट्रांसपोज। तो अब Q का ट्रांसपोज करते हैं, तो जैसे ही इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा A का ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज वापस से करेंगे तो A आ जाएगा। अब इसमें देखो Q ट्रांसपोज, इसमें से क्या लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा A माइनस का A ट्रांसपोज। तो ये जो है आपका Q ट्रांसपोज इक्वल टू आ गया माइनस क्यू के, किसके बराबर आ गया, माइनस क्यू के बराबर। तो इसे हम बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक, इसे क्या बोला जाता है, प्रतिसम्मित, इसे बोला जाता है प्रतिसम्मित, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक, इसे क्या बोला जाता है, एंटी सिमेट्रिक। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन दोनों ही सही, तो कौन सा हो गया, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसके दोनों ही आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 में ये लिखा है कि आपको एक आव्यूह दिया गया है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है आपकी, इसको बताना है इसका व्युत्क्रम। दूसरे पहले कथन में कहा गया है कि m के व्युत्क्रम का अस्तित्व है, ये कब है कथन दूसरा दिया गया, k नॉट इक्वल टू जीरो। चलिए इसका पहले देख लेते हैं, इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो कितना आएगा, इसका डिटरमिनेंट देख लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से एम का डिटरमिनेंट देखते हैं, तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व भी कर लेते हैं, जगह वैसे भी कम है तो सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे थ्री, और k का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो k माइनस जीरो, यहाँ पर माइनस फोर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2k माइनस जीरो, तो 2k माइनस जीरो। अब लास्ट वाला करेंगे तो जीरो ही आएगा, तो प्लस का जीरो, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ m इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा 3k, और यहाँ पर कितना आएगा 3k, चार दुनी 8k, ठीक है। तो यहाँ से आ गया माइनस के 5k, ठीक है। अब देखो अगर m का अस्तित्व आपको हमें देखना है, तो m का अस्तित्व तभी होगा जब हमारा जो डिटरमिनेंट ऑफ m है, ये डिटरमिनेंट ऑफ m नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये नॉट इक्वल टू जीरो, तो मतलब माइनस के फाइव के नॉट इक्वल टू जीरो, तो k का मान क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखो अगर इसका अस्तित्व होगा,
तो k नॉट इक्वल टू जीरो होगा, अगर k नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका भी अस्तित्व होगा। तो इसका मतलब ये दूसरे से एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, a से b का अस्तित्व है और b के a का अस्तित्व है, दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, डी। क्वेश्चन नंबर 59, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके एनडीए के क्वेश्चन पेपर में भी आया था इस साल। चलिए इसमें क्या पूछा गया आपसे कि आपको ए बी बराबर बी ए दिया गया, बी ए बराबर बी दिया गया, बी स्क्वायर का मान पूछा, तो हमने इसको उठाया, ठीक है, तो हमने बी ए इक्वल्स टू बी लिया, इसमें राइट साइड हमने बी का मल्टीप्लाई किया, तो ऐसे तो इधर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको ए बी का मान पता है, ए बी का मान कितना है, ए है, तो ये हो जाएगा, इसकी जगह ए रख देते हैं, तो ये बी ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर आ गया, और बी ए का मान आपके पास बी है, तो ये आ गया आपका बी स्क्वायर, ठीक है, तो b इक्वल्स टू क्या आ गया, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मान क्या हो गया, b, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अगर हम इसे देखें तो अगर हम a में से ओमेगा कॉमन ले लें, ठीक है, अगर आप ओमेगा कॉमन लोगे या लिखा रहने दो, तो ए स्क्वायर निकालते हैं, ए स्क्वायर जैसे ही निकालोगे तो ओमेगा स्क्वायर जीरो और यहाँ पर जीरो ओमेगा आएगा, ठीक है, ऐसे ही ए क्यूब निकालेंगे, तीन तक निकाला करो, ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो, क्योंकि उससे पैटर्न पता चल जाता है, तो ये ओमेगा क्यूब आ जाएगा, ये जीरो, ये जीरो, ये ओमेगा क्यूब आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही डॉट डॉट करेंगे, तो ए पावर 50, अगर ए पावर 50 निकालोगे तो यहाँ ओमेगा की पावर 50 और यहाँ पर जीरो जीरो ओमेगा की पावर 50 आ जाएगा। अब ओमेगा की पावर 3 को डिवाइड करेंगे 50 को, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ए पावर जो 50 है ये आपका आएगा, 3 से डिवाइड करो, जैसे 3 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर आएगा 0 और यहाँ पर 0, ये ओमेगा स्क्वायर आएगा, इसमें से अगर एक ओमेगा हम कॉमन ले लें तो आपका बचेगा ओमेगा 0 0 ओमेगा, तो ये क्या हो गया, ओमेगा इंटू ए, तो ये किसके बराबर आ गया, ओमेगा इंटू ए के, तो ओमेगा इंटू ए कौन सा ऑप्शन हो गया, बी, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, बी। तो हमेशा ध्यान रखना आप लोग कि इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको ए स्क्वायर और ए क्यूब निकालो, फिर पैटर्न पता चल जाता है, उसी को हम फॉलो कर देते हैं। चलिए तो आपके 60 तक क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन आपके नेक्स्ट सर लेके आएंगे, तो हमने आपको 41 से 60 तक डिस्कस किए हैं, ठीक है, तो जो भी आपके क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में सब लोग कमेंट करके बताएं कि मॉक टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए जय हिंद बच्चों। ओके, तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, 61 से आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। तो देखिएगा 61 की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे देखिएगा ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 है जिसका डिटरमिनेंट क्या दे रखा है, 2। तो आपको पता है बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्सम का व्यू। डिटरमिनेंट ऑफ ए आपके पास 2 पहले से गिवन है, आई मतलब 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है, मल्टीप्लाई करोगे 2 0 यहाँ पे 0 2, तो देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये इजिली आप प्रोसीड कर सकते थे। नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं, देखिएगा अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से देखिएगा 62 आपका जो क्वेश्चन है ये आपसे बोला गया कोई भी सॉल्यूशन ना हो, तो आपको पता है इसका डिटरमिनेंट बना दे अल्फ़ा 1 1 हो जाएगा, 1 अल्फ़ा 1 1 1 और फिर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 करें, इसको सॉल्यूशन करें तो ये देखिएगा अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर -1 -1, ये देखिएगा अल्फ़ा -1 राइट है, फिर क्या हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ देखिएगा 1 - α इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते तो ये देखिएगा अल्फ़ा क्यूब माइनस का अल्फ़ा हो जाएगा, इधर देखिएगा माइनस का अल्फ़ा प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का अल्फ़ा बराबर 0। तो ये देखिए आपको पास मिल जाएगा अल्फ़ा क्यूब हो जाएगा माइनस का 3 α हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा राइट है। अब यहाँ से आपको अल्फ़ा की वैल्यूज निकालनी है, जैसे ही आप बच्चे यहाँ से देखिएगा अल्फ़ा की वैल्यूज निकालोगे तो यहाँ देखिए अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई करेगा, यानी अल्फ़ा माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, और जैसे ही ये अल्फ़ा माइनस 1 यानी अंदर बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा माइनस का अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, यानी आप क्या बोल सकते हो माइनस का अल्फ़ा हो जाएगा,
और प्लस का यहाँ से देखिएगा कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ज़रा क्रॉस चेक करो, अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का अल्फ़ा स्क्वायर, यानी यहाँ पे ये प्लस साइन होना चाहिए। फिर जब आप इनका फैक्टर करके निकालोगे बच्चों, तो यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन करके, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, देखिएगा कितना आती है, 1 और माइनस 2। इसको सॉल्व करोगे तो आप अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 और माइनस 2। 1 बच्चों अगर आप ले लोगे तो ये देखिएगा 1 1 1 हो जाएगा, तो ये कभी 0 नहीं हो सकता है, यानी 0 हो जाएगा। लेकिन इधर भी देखो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यानी डेल्टा भी 0 हो जाएगा, डेल्टा 1 भी 0 हो जाएगा, डेल्टा 2 भी 0 हो जाएगा, डेल्टा 3 भी 0 हो जाएगा, यानी सिर्फ आप माइनस 2 कंसिडर कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ये देखिएगा 63 आपका दे रखा है, इसका सॉल्यूशन आपसे पूछा गया है, तो सॉल्व कर लीजिएगा। एक्स देखिएगा 5x हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, देखिएगा 2 2 4 हो जाएगा, प्लस का 5 इक्वल्स टू क्या, 0। सॉल्व कर लीजिएगा, तो देखिए 5 माइनस 2 3, तो ये दिखेगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 2 6x हो जाएगा, -5 प्लस 4 9 हो जाएगा, 3 कॉमन ले लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 3 9 बराबर, इनका जो फैक्टर बनेगा बच्चों क्या हो जाएगा, x माइनस 3x प्लस 1 बराबर कितना, 0। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा, आपको पता है -1 कामा 3, तो यहाँ से देखिएगा 3 कामा -1, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 64 देखिएगा, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। आयत चित्र किसी सतत चर का बारंबारता बंटन है। हाँ बिल्कुल, आयत चित्र का कुल क्षेत्रफल कुल बारंबारता को निरूपित करता है। ठीक है बच्चों, तो ये देखिएगा जो दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, याद रखिएगा इन ऑप्शंस को, आयत का जो चित्र होता है ये सतत चर बारंबारता को रिप्रेजेंट करता है, और ये भी, यानी दोनों सही है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन, तो इन दोनों को याद रखिएगा बच्चों। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 65। ये देखिएगा आपको दे रखा है दिस बराबर 110। अगर हम लोग इसे सॉल्व करें बच्चों, तो आपको पता है x1 माइनस 2 x2 माइनस 2 ऐसे ही आएगा, प्लस डॉट 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 xn कर लेते हैं, बराबर ये देखिएगा आपको पता है कितना है, 110, ये राइट साइड जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 2n। सेम कहानी, यहाँ को जब सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, तो ये हो जाएगा xn बराबर 20 प्लस कितना हो जाएगा, 5n हो जाएगा। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट, इन दोनों को इक्वल कर दीजिएगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो 110 हो जाएगा, लिखेगा 110 प्लस 2n इज इक्वल्स टू, बोलिएगा कितना हो जाएगा बच्चों, 20 प्लस का कितना हो जाएगा, 5n। 2 को इधर लेके आएंगे तो आपको मिल जाएगा 90 इक्वल्स टू 3n, ये 5n है, तो n इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा, 30। तो n की वैल्यू 30 हो गई बच्चे, तो यहाँ से ले जा करके रख दीजिए, 30 दूनी 60, 110 प्लस 60 आपको पता है 170, एवरेज लेना, n का मान 30 है, कट जाएगा बच्चे, माध्य निकालना था, 17/3, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला देखिएगा, ये देखिएगा बच्चों आपका क्या है, पॉजिटिव स्क्यूनेस है, ये देखिएगा इसका जो टेल है वो राइट साइड आपका गया है, तो यहाँ पे याद रखना बच्चों, इधर आपका मॉड होता है, फिर मीडियन होता है, फिर मीन होता है, ये देखिएगा मॉड का केस हो गया है, ये देखिएगा मीडियन हो गया है, मध्यिका हो गई है, और ये आपका मीन हो गया, मीन सबसे बड़ा होता है बच्चे, माध्य सबसे बड़ा किस में है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, इसका क्या निकालना है, माध्य विचलन निकालना है, तो अगर हमको इसका मीडियन निकालना है बच्चों, तो इसका देखिएगा जो मीन आ जाएगा वो 13 हो जाएगा, तो दिस माइनस दिस करोगे आपको मिल जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा, 16 दूना 32, 8 कितना हो जाएगा,
40, कितने डिजिट हैं यहाँ पे, कितनी आपके संख्याएं हैं, 3, 2, 5, ये देखिएगा 5, 8 कितना हो जाएगा, सॉरी ये 40 है, 80 हमने लिख दिया है, तो ये देखिएगा 5, 8, 40 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट ले लोगे बच्चों 2√2, आपको पता है 2 × √2 का 1.4, ये हो जाएगा 2.8, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं बच्चों। निम्न कथनों का अवलोकन कीजिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें हमारा देखिएगा सहसंबंध गुणांक मूल बिंदु के परिवर्तन से स्वतंत्र होता है। बिल्कुल बच्चों ये सही है, ठीक है, सहसंबंध गुणांक पैमानों के परिवर्तन से मुक्त होता है, ठीक है, और क्या दे रखा है, समाश्रयण नियतांक मूल बिंदु में परिवर्तन से स्वतंत्र होता है, और लास्ट है समाश्रयण नियतांक पैमानों में परिवर्तन से मुक्त होता है। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, फटाफट से बताइएगा ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, हमारे पास जो है ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, यानी पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों सही है बच्चों, क्या पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों आपका क्या है, करेक्ट है। ओके चौथा वाला आपका क्या है, रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। 69, एक कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, 70 लड़कों, यहाँ देखिएगा लड़कों को मान लेते हैं, बॉयज को बी ले लेते हैं, इनका जो सम हो जाएगा एवरेज कितना आया, 75, कितने बॉयज हैं, 70, और आपको पता है कुल कितना है, यानी बॉयज प्लस गर्ल्स जो सम होगा ये 72 गुणे कुल 100 हैं, तो यहाँ से देखिएगा गर्ल्स का निकालोगे तो ये देखिएगा आपको मिल जाएगा 7200, यही होगा बच्चों, माइनस इसका गुणा करो 0 हो जाएगा, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 7 × 7 = 49 हो जाएगा, 1 × 50 = 52 हो जाएगा, जी बराबर आपको घटाने पर मिल जाएगा 0, 10 में से 5 गए 5, 11 में से 2 गए 9 हो जाएगा, 6 में से 1950 हो जाएगा। गर्ल्स कितनी है, 100 में से 70 घटा देंगे 30 होगा, ये कट जाएगा 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, यानी हो जाएगा 65, क्या हो जाएगा, 65। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। देखिएगा आपको क्या दे रखा है, x और y के बीच निम्न, आपको सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर और एन दे रखा है। आपसे पूछा गया है को रिलेशन कोफिशेंट, सह संबंध गुणांक, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों आपको क्या दे रखा है, यहाँ से देखिएगा एन, ठीक है, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से देखिएगा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई आपका होता है बच्चों एन सिग्मा एक्स, ठीक है, माइनस यहाँ से देखिएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर। ओके यहाँ से देखिएगा ये सिग्मा एक्स स्क्वायर होता है बच्चों, जब आप इस सब को कैलकुलेट करोगे, ध्यान दीजिएगा आपका जो फॉर्मूला है, सॉरी यहाँ पे देखिएगा सिग्मा ये एक्स वाई है, जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा आंसर, देखिएगा 70xy चर आपका सह संबंध गुणांक, आपको r बराबर पता है बच्चों, रूट में क्या होता है बोलिएगा bxy/byx, r की वैल्यू दे रखी है, दोनों साइड का होल स्क्वायर करो 0.8, 8 × 64 0.64, रूट हटेगा, यहाँ देखो 0.2 एक वैल्यू दे रखा है, दूसरा निकालना है, तो आपको पता है 3 दशमलव कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6, तो बी वाई एक्स हो जाएगा जो भी है 3.2, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। माना बिंदु इतना इतना समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं जिसका एसी कर्ण है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 है, तो के का मान, आपको पता है ये देखिएगा ए सी कर्ण है, ये ए बी और सी हो जाएगा, आपको पता है इसका क्षेत्रफल 1 दे रखा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, ठीक है, ए की वैल्यू बताइएगा कितना है 1, k, बी की वैल्यू क्या है 1, 1 और सी की वैल्यू क्या है 2, 1, आपको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट बेस, देखो x2 − x1 = 0, y2 − y1 यानी k − 1 ×
हाइट की बात करेंगे बच्चों, देखिएगा यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ से देखिएगा 1 माइनस के इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से के इक्वल्स टू हो जाएगा -1। क्यों? के को राइट साइड ले जाओगे लेकिन के हमारे पास पॉजिटिव होगा बच्चों, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। चलिए यहाँ से देखिएगा, बात आई एसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 है तो के का मान है, जरा क्रॉस चेक करिएगा टोटली। तो ओके अब देखते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 72। ये देखिएगा 72 क्वेश्चंस आपको है, एक कोई समकोण त्रिभुज है, कैसा राइट एंगल ट्राइंगल है। ये देखिएगा ए है, बी है और सी है। ए आपको पता है कितना है 1, k, बी आपको पता है कितना है 1, 1, सी है 2, 1। इसका एरिया निकालना है, आपको पता है एरिया हमेशा प्लस माइनस होता है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस देखिएगा x2 - x1 0, y2 - y1 इंटू हाइट 2 - 1 1, 1 - 1 0 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एरिया, जब भी हुआ करे प्लस माइनस कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से देखिएगा हो जाएगा k - 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2। तो यहाँ से देखिएगा k इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस 2 + 1, तो k बराबर 2 + 1 3 और माइनस 1, तो 3 और माइनस 1 यानी -1 3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों? सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन, सन रेख है कोलिनियर है तो इनका स्लोप बराबर होगा MAB। तो यहाँ देखिए y2 - y1 / x2 - x1 बराबर 1 - 3p / 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 से 3 कट जाएगा, p = -q - - +3pq। तो यहाँ से p + q = 3pq। अब pq से डिवाइड करोगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं बच्चों, आपको दे रखा है एक वर्ग के 2 विपरीत शीर्ष, यानी ये मान लेते हैं स्क्वायर है और इसके 2 अपोजिट साइड ABCD यानी A और C आपको दे रखा है 0, -1 और आपको पता है 0, 3, इनका मिड पॉइंट निकाल लो, तो ये हो जाएगा 0। इन दोनों को ऐड करोगे 2/2 क्या हो जाएगा 1, सही है, -1 + 3 2/2 1 हो जाएगा। आपको पता है BD का भी मिड पॉइंट ये होगा और B, D आपको ऑप्शन में दे रखे हैं, अब इनका मिड पॉइंट जो 0, 1 दे दे जो भी ऑप्शन वही सही हो जाएगा। पहला 0, 1 नहीं देगा, दूसरा भी नहीं देगा, तीसरा 2 - 2 0, 1 + 1 2/2 यानी यही करेक्ट हो जाएगा। सॉल्व करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बस सीधे अपने खोपड़ी का प्रयोग करो, आंसर लो। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, हाँ ये देखिएगा त्रिभुज के शीर्ष और इसका लंब केंद्र निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग देखिएगा यहाँ से बना लेते हैं -2, 6 यहाँ होगा, -2, 4 और यहाँ पे 1, 3। आपको पता है अर्थो सेंटर मतलब परपेंडिकुलर, ये जो लाइन जाएगा ये 90 डिग्री बनेगा लेकिन ये y = क्या होगा 3 होगा, यानी हमारा जो अर्थो सेंटर होगा y = 3 लाइन पे लाई करेगा। y = 3 एक ही आपका ऑप्शन में है, x निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, आपको दे रखा है एक बिंदु रेखा इतने पर है ABC कौन सा संतुष्ट करेगा, तो आपको सीधे सीधे XY का मान ले जा करके सब्स्टिट्यूट करो, जो सेटिस्फाई कर दे वही आंसर हो जाएगा। तो सीधे सीधे यहाँ पे हम लोग C को करते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ दिखेगा AX की वैल्यू 3/4 +BY की वैल्यू 1/2 +C = 0, LCM 4 हो जाएगा, तो ये दिखेगा 3A + 2B + 4C = 0, 3A + 2B + 4C = 0 यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपन,
71। बोला एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण ए सी बी डी एक दूसरे को 3, 4 पर काटते हैं। यदि बिंदु ए 1, 2 है तो विकर्ण, ध्यान दीजिएगा पैरेललोग्राम ए बी सी डी है बच्चों, ये लिखेगा ए बी सी और डी, ए बी यहाँ से ध्यान दीजिएगा एक दूसरे को 3, 4 इनके जो विकर्ण हैं, अच्छा ये सम चतुर्भुज है, अच्छी बात तो ये बच्चों ये सम चतुर्भुज है और ये एक दूसरे को 3, 4 पे काटते हैं और ये 90 डिग्री भी बनेगा ध्यान दीजिएगा। और आपसे बोला गया है ए कितना है 1, 2 है। अब इस लाइन का स्लोप निकाल लो, y2 - y1 / x2 - x1 2/2 1 आ जाएगा, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -1, इक्वेशन निकाल लो 3, 4 तो बी डी का इक्वेशन हो जाएगा y - y1 = m x - x1। तो यहाँ से देखिएगा इसको इधर लेके आइएगा तो x + y + 3 यानी -7 = 0, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पे हम लोग प्रोसीड करते हैं बच्चों, देखिएगा अब हम लोग आ जाते हैं 78 पे। तो 78 एक सरल रेखा ए 3, 4 से इस प्रकार है कि अक्षों का अंतःखंड बिंदु ए पर समद्विभाजित करता है यानी बाइसेक्ट करता है, तो इक्वेशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा बाइसेक्ट करता है मतलब ये जो मिड पॉइंट है ये क्या है 3, 4 है, ये मान लेते हैं a, 0 है और ये 0, b है, ये मिड पॉइंट है तो a/2 = 3 a = 6 और b = 8। तो फार्मूला तो पता ना, x/a + y/b = 1, यहाँ से 24 एलसीएम लीजिएगा 6 × 24 8 × 24 = 24, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा 4x + 3y = 24 यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा 79, राइट है 79। देखो इतना तथा इतना के बीच की दूरी 2, ठीक है, तो आपसे बोला गया कौन सा सही है, आपको पता है दूरी, तो सबसे पहले ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसको लिखो 5x + 12y + k/2 = 0 y2 - y1 k/2 - - +1 हो जाएगा, सही है, तो c2 - c1 ठीक है is equals to divided by, आपको पता है क्या हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं अपन, क्या लिख लेते हैं ध्यान दीजिएगा k/2 + 1 / ये मॉड में होगा बच्चों √x² 5 × 25 = 12 ब्रह्म में 144 13 हो जाएगा, क्या 169 13 बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आपको दे रखा है दूरी कितनी है 2 13 दूना 26 हो जाएगा, ये देखो एलसीएम ले लो k + 2/2 का मॉड बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा कितना 13 दूना 26 26 दूना 52 तो k + 2 = बच्चों मॉड हटाओगे ±52 हो जाएगा, तो k = हो जाएगा ±52 - 2 हो जाएगा k = 50 - 52 2 54 50 और 54 तो 50 - 54 यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं बच्चों, आपसे बोला गया है न्यूनतम दूरी मिनिमम डिस्टेंस, आपको पता है इसका सेंटर निकाल लो हो जाएगा 7, 5 रेडियस निकाल लो आपको पता है 7 × 7 = 49 5 × 5 = 25 तो 49 + 25 + कितना 151 ठीक है g² + f² - c ये देखिएगा आपको मिल जाएगा कितना हो जाएगा 60 = 40 = 225 हो जाएगा और आपको पता है 225 मतलब 15 में 225 इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लो PC इस पॉइंट को मान लो PC बराबर हो जाएगा x2 - x1 5 × 5 = 25 हो जाएगा 12 ब्रह्म में 144 हो जाएगा तो आपको पता है ये बाहर आकर के 13 दोनों का न्यूनतम दूरी डिफरेंस निकालो 15 - 13 2 हो जाएगा यानी ऑप्शन बी इज
करेक्ट। ओके, आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। जय हिंद। जय हिंद बच्चों। ठीक है, तो हम कर रहे थे क्या, हम कर रहे हैं मेरे कल से की मॉक टेस्ट की सॉल्व, ठीक है, पेपर सॉल्व, जो कि बहुत अच्छे से कलेक्टेड किया गया है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 81 से। आपसे कह रहा है क्या कि एक सरल रेखा है, सरल रेखा x प्लस वाई माइनस वन बराबर जीरो, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एट वाई इक्वल टू जीरो को ए और बी पर मिलती है। तो ए बी के व्यास, ए बी व्यास के वृत्त का समीकरण, मतलब एक हमारा एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट ऐसे ए बी लाइन जा रही है हमारी, ठीक है, इस सर्कल को ए बी पे टच कर रही है, यानी कि अब हमको क्या करना है, ए बी को व्यास मानना है, ए बी को व्यास मान के क्या बनाना है, सर्कल बताना है कि इस व्यास का सर्कल क्या होगा। ठीक है, तो सपोज ये अगर जो सर्कल हमारा है, ये वाला सर्कल, इसके सेंटर क्या हो जाएंगे, थ्री और फोर जाएगा सेंटर इसका, थ्री और फोर, और लाइन हमारी क्या है, एक्स प्लस वाई माइनस वन है। तो देखोगे आपको पता है कि अगर केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, लंब पात के अनुसार निकाल लोगे, ठीक है ना, और कैसे निकालते, फूट ऑफ परपेंडिकुलर एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू क्या होता है, माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से आपको x और y मिल जाएगा, यानी कि ये पॉइंट मिल जाएगा, यानी कि विच बी योर सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ से आप सेंटर निकाल क्या करोगे, अब रेडियस आपका है ना, तो अब रेडियस यहाँ से क्या हो जाएगा, अब सेंटर मिल गया आपको, सेंटर मिल गया आपको, तो यहाँ से क्या करोगे आप, सीधे इसमें रख देंगे, रेडियस क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखो ये पॉइंट हो जाएगा क्या, थ्री फोर अगर ये है, तो यहाँ से डिस्टेंस देखो क्या हो जाएगा, थ्री प्लस फोर माइनस वन अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस वाट, थ्री स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, सिक्स अपॉन फाइव हो जाएगी, और यहाँ से डिस्टेंस देखो क्या होगा, सिक्स अपॉन फाइव हो गया ये, और हमारा इसका रेडियस क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे क्या, यहाँ से आप ये दो निकाल लोगे, ये रूट सेवन आएगा, ठीक है ना, और यहाँ से आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीधे हम यहाँ बता देते हैं आपको कि आपका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो है 82, कह रहा परवलय के नेता का समीकरण कह रहा है। ठीक है, तो परवलय के नेता का समीकरण आपको पता है कि अगर ये क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई अगर होता है, फोर ए एक्स होता है, तो यहाँ से हमारा नेता समीकरण क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस ए होता है ना, एक्स इक्वल टू ए होता है, एक्स इक्वल टू ए होता है यहाँ से। तो आप देखोगे क्या यहाँ से कि ये वाई समीकरण क्या है, वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई दिया है, तो क्या इसको हम y प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस टू प्लस फोर एक्स लिख सकते हैं क्या, इक्वल टू जीरो। अब ये जब उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, y प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, ये माइनस फोर एक्स प्लस टू हो जाएगा। तो ऐसे केस हम नीचे देखोगे, ये फोर ए एक्स है तो a हमारा क्या हो जाता है, वन, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस वन, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक दीर्घवृत्त के नाभिलंब की लंबाई, तो आपको पता है दीर्घवृत्त की नाभिलंब क्या होती है, टू बी स्क्वायर बाई ए होती है। ठीक है, यहाँ से आपका पता है दीर्घ, तो दीर्घ क्या हो जाएगा, टू ए बाई थ्री हो जाएगा ये, तो टू से टू कैंसिल आउट, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, थ्री बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। तो आपसे कह रहा है क्या उत्केंद्रता क्या होगी, उत्केंद्रता पता है क्या होती है इसकी, ई इक्वल टू रूट में होता है क्या, वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या है, थ्री बी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये रूट में वन माइनस वन बाई थ्री, यानी कि रूट में टू बाई थ्री, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि एक अतिपरवलय की नाभ भी आपको दी हुई है, कह रहा है दीर्घवृत्त क्या है, कह रहा है कि ये आपका ए दिया है आपको फाइव, आप कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो ए आपका हो जाएगा फाइव, और बी क्या दिया है आपको, नाइन दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर क्या निकालें, इसकी ना फोकस निकालें, तो फोकस पता है क्या होता है इसका, फोकस हो जाएगा फोर जीरो, है ना, तो फोकस फोर जीरो कह रहा है, और कह रहा है नाभिक की उत्केंद्रता क्या है, टू है, तो अगर उत्केंद्रता टू है तो यहाँ से पता है क्या आपको कि एक्स स्क्वायर बाई फोर तो होगा, ये तो आपका पहले आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्लस है, ठीक है, माइनस वाला हुआ है, तो ये होगा या तो ये होगा। अब आपका फोकस अगर फोर जीरो पे है तो आपको पता है कि हमारा परवलय कैसे बन रहा होगा, ऐसे बन रहा होगा, ऐसे केस में आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई फोर माइनस वाई स्क्वायर बाई ट्वेल्व, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे, ये कह रहा है m का मान क्या होगा यदि क्या है सदिश ये और ये और ये समतलीय हैं, तो इसका पता है आपको डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो होता है, तो डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, टू माइनस वन और वन,
और यहाँ से क्या हो जाएगा ये 1, 2 और माइनस 3 और ये हो जाएगा हमारा 3m और ये 5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से हम तो हमारा क्या हो जाएगा 2 लोगे तो 10 माइनस 10 प्लस 3m 10 प्लस 3m ठीक है 3m और 5 ठीक है 2 लेंगे तो 10 हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर माइनस माइनस 1 प्लस हो जाएगा 1 ये इसको लेंगे तो 5 प्लस 3 3 9 एंड प्लस क्या हो जाएगा आपका 1 और यहाँ से क्या हो जाएगा ये m माइनस 6 तो m माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 6m प्लस 14 और प्लस m माइनस 6 इक्वल टू 0 दिस विल बिकम 7m और यहाँ से क्या हो जाएगा 20 और 34 माइनस 6 28 तो प्लस 28 इक्वल टू 0 तो यहाँ से क्या आ जाएगा m इक्वल टू आ जाएगा माइनस 4 माइनस का 4 तो माइनस 4 कहाँ पे है सी दैट इज़ अवर आंसर। ओके कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये और इनके बीच में कोण क्या होगा। कोण के बीच पता है आपको कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा होता है क्या मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो देखेंगे ये हमारा क्या रहा होगा। वन का वन से करेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा क्या 4 प्लस 4 अपॉन इसका मॉड क्या होगा 2 × 4 8 × 4 = 8 1 9 तो रूट 9 यानी कि 3 × 3 तो दिस विल बिकम व्हाट दिस विल बिकम 1/9। सो इफ कॉस थीटा इज 1/9 देन थीटा विल बी कॉस इनवर्स 1/9 इट विल बी योर आंसर। ओके इट विल बी योर आंसर। ओके कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता है कि ये आपको दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज जिसके विकर्ण विकर्ण मतलब डायगोनल्स डायगोनल्स आपको दिए हुए हैं तो क्षेत्रफल क्या होता है। तो आपको पता है कि ये क्या होता है आपको एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है क्वाड्रिलेटरल होता है वो क्या होता है d1 × d2/2 ठीक है ना d1 × d2/2 तो यहाँ निकाल लेंगे i j और ये k और हमारा क्या है 3 1 − 2 और यहाँ क्या है 1 − 3 − 4 यहाँ से निकालेंगे इंटू 1/2 कर देंगे तो आप देखोगे क्या हो जाएगा 1/2 आप निकालेंगे यहाँ से ठीक है। पहले इसका मॉडल्स निकाल लेते हैं इसका मॉडल्स निकाल लेते हैं 1/2 को बाद में चिपका देंगे ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे क्या आ जाएगा आपका आई लेंगे तो क्या हो जाएगा आई लेंगे तो यहाँ से माइनस 4 और माइनस 2 6 तो माइनस 6 माइनस माइनस 6 से ठीक है। ओके माइनस जे लेंगे माइनस जे और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 × 12 माइनस 12 और ये क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 हो जाएगा ये और प्लस के लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 × 9 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 यहाँ से रहेगा और यहाँ जाएगा क्या माइनस 10 आई और ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस 10 प्लस 10 जे और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस 10 के ठीक है ना। तो आपको पता है यहाँ से क्या करना है कि 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये 5i माइनस 5j प्लस 5 माइनस 5i प्लस 5j एंड माइनस 5k। इसका मॉडल्स निकालेंगे तो 5 × 5 = 25 और ये 25 और ये भी क्या हो जाएगा 25 तो ये क्या आ जाएगा 5√3 दिस विल बी योर आंसर दिस इज 5√3। ओके कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एक तिहाई एक करा कि एक इकाई सदिश ठीक है एक इकाई सदिश आई प्लस 2j प्लस के दिया है और आई प्लस j प्लस 2k दिया है करा इसके क्या है लंबवत है तो करा इकाई सदिश देखो इसके लंबवत क्या है तो देख लेते हैं इसके लंबवत मान लेते हैं हमारा क्या है ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के है हमारा ठीक है। तो इसका इसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा लंबवत तो 0 हो जाएगा कॉस डॉट प्रोडक्ट तो देखेंगे 2a प्लस बी और प्लस के सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 यहाँ से। अब क्या है कि ये कोप्लेनर हैं अगर ये तीनों कोप्लेनर इनका क्या होगा डिटरमिनेंट 0 होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2a और ये 2a सॉरी b है सॉरी a है ये a b c एंड दिस 1 दिस इज 2 एंड दिस इज 1 1 1 2 यहाँ डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा देखेंगे यहाँ सॉल्व करने पे a लगे तो 2 × 4 − 1 ठीक है तो 3a दिस विल बिकम माइनस बी यू सी 2 × 1 = 2 − 1 तो क्या हो जाएगा 1 माइनस बी रहेगा माइनस प्लस लेंगे तो सी 1 × 1 − 2 तो माइनस सी हो जाएगा हमारा ये। अब देखो एक क्वेश्चन ही है ऐड करेंगे तो बी से बी कैंसिल सी से सी कैंसिल 5a = 0 देन ए विल बिकम 0। अब ए अगर 0 हो गया तो ए अगर 0 हो गया तो आप देखोगे ए हमारा 0 है तो ए आई कहीं नहीं रहेगा आई कहीं पर नहीं है ये वाला ऑप्शन ऐसे कट जाएगा ठीक है।
अब देखोगे आप क्या कि इसके, ठीक है, यहाँ से कह रहा है क्या जे और के, अब इकाई से बोला तो ये तो होगा नहीं, जे माइनस के होगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हमारा मॉडल्स भी आएगा या तो ये होगा या तो ऑप्शन ये होगा। अब चेक कर लेते हैं कि कह रहा है कि इसके लंबवत बना हुआ है ना, तो आप देखोगे आपका बी जो है वो क्या है पॉजिटिव है और सी क्या है निगेटिव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जे माइनस के विल बी योर आंसर। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या होता है कि ए ए कैप बी कैप सी कैप दिया इकाई सदिश, इस प्रकार है कि ए कैप बी कैप सी कैप का सम जो है जीरो दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होता है ये आप इसका स्क्वायर करोगे ना, तो ये ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए कभी जीरो के बराबर नहीं होता है। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से कह रहा है क्या कि ये कह रहा है कि बिंदु माइनस माइनस वन थ्री फोर और टू माइनस फाइव सिक्स अगर एक्स वाई तल मिलता है तो एक्स वाई तल में जेड क्या होता है, जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, बस निकाल लो उसको, मान लो ये हमारा है तो जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा जीरो होगा। अब यहाँ पे ये फोर है और यहाँ पे ये क्या है सिक्स है, लेट एम और ये एन है, तो फोर एन और प्लस सिक्स एम इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, तो यहाँ से कहेंगे क्या सिक्स एम इक्वल टू माइनस फोर एन, दिस विल बिकम एम बाई एन इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री, माइनस टू बाई थ्री मीन्स टू बाई थ्री एंड एक्सटर्नल बाह्य तक, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो कह रहा कि अगर ये रेखाएं लंबवत हैं, लंबवत में क्या होती है प्रॉपर्टी आपको पता है, लंबवत में क्या होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बिकम्स जीरो, तो यहाँ चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वन अपॉन माइनस थ्री इक्वल टू वाई माइनस टू इक्वल टू टू अल्फा, और ये क्या हो जाएगा z माइनस थ्री इक्वल टू टू, दिस विल बिकम x माइनस वन इक्वल टू थ्री अल्फा, दिस विल बिकम y माइनस वन इज वाई वन, दिस विल बिकम जेड माइनस सिक्स अपॉन माइनस फाइव। अब आपका ये L1, ये M1, ये N1, ये L2, ये M2 और ये N2, ठीक है, तो आप रख लोगे आपका आंसर आ जाएगा L1 L2 करेंगे तो माइनस थ्री माइनस नाइन ए माइनस नाइन अल्फा टू अल्फा एंड दिस वन प्लस टू अल्फा दिस टू एंड माइनस टेन, माइनस टेन इक्वल टू जीरो, दिस विल बिकम सेवन अल्फा माइनस सेवन अल्फा इक्वल टू टेन और अल्फा विल बी माइनस टेन बाई सेवन, माइनस टेन बाई सेवन ए विल बी योर आंसर। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज यदि दो तीन पाँच किसी गोले, अब गोले का पता है कि आपको गोला अगर ये दिया हुआ है तो उसके केंद्र क्या हो जाएगा, इसका माइनस करेंगे तो थ्री आ जाएगा ये, और यहाँ से क्या हो जाएगा सिक्स और ये क्या हो जाएगा वन, थ्री सिक्स वन क्या हो गया हमारा उसका हो गया। अब कह रहा है कि ब्यास के, अब ये बिंदु है दिया हुआ है, यानी कि अगर ये ब्यास के बिंदु हैं तो एक पॉइंट यहाँ होगा एक पॉइंट यहाँ होगा, तो ये टू थ्री फाइव दिया हुआ है, ये मान लो क्या है ए बी सी है, आपका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा सेंटर है ना, तो मिड पॉइंट होगा दैट इज सिक्स थ्री सिक्स और ये वन, तो यहाँ से निकाल लो तो तीन टू प्लस थ्री टू प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा तीन दुना छः, तो ए क्या हो जाएगा फोर, ए जाएगा फोर, वैसे ही थ्री प्लस बी, थ्री प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा छः दुना बारह, बी क्या हो जाएगा माइनस नाइन, फिर करेंगे क्या फाइव प्लस सी, तो फाइव प्लस सी इक्वल टू टू टू, तो सी क्या हो जाएगा माइनस थ्री, सॉरी ये नाइन होगा प्लस नाइन होगा, तो फोर नाइन एंड माइनस थ्री, फोर नाइन एंड माइनस थ्री विल बी योर आंसर। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा कि एक समतल का निर्देशांक दिया है आपको, एक समतल का निर्देशांक अक्षों पर ए बी सी पर अंतःखंड क्रम से ए बी सी है, अब कह रहा है क्या कि इसमें त्रिभुज का केंद्र आपको दिया हुआ है तीन दो और एक, तो क्या समतल का समीकरण क्या होगा, ठीक है ना, आपको अंतःखंड दिया हुआ है और ए बी सी केंद्रक दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें आपका समतल का समीकरण कह रहा है, तो समतल का समीकरण क्या हो जाएगा इसमें आपका, देखो अब अंतःखंड दिया है आपको, ठीक है ना, अंतःखंड हो जाएगा यहाँ से और ए बी सी केंद्रक भी दिया हुआ है थ्री टू और वन, तो समतल का समीकरण आपसे पूछ रहा है, तो देखो अगर ये क्या इसमें प्लेन में है तो क्या करेगा, इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा थ्री प्लस फोर एंड प्लस थ्री, थ्री फोर थ्री नहीं हो रहा है ये, ठीक है, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा सिक्स माइनस सिक्स एंड माइनस सिक्स, ये भी नहीं होगा हमारा, ये हमारा टू सिक्स हो जाएगा ये प्लस टू और प्लस क्या हो जाएगा सिक्स, ये भी नहीं कर सेटिस्फाई, ये देखते हैं क्या सिक्स और ये प्लस सिक्स और ये प्लस सिक्स, तो क्या कर गया ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह रहा है कि किसी फलन एफ एक्स और जी एक्स इस प्रकार परिभाषित है, परिमेय पे ये हो रहा है अपरिमेय पे ये हो रहा है, तो f माइनस जी करोगे ना, जब f माइनस जी करोगे लोगे यहाँ से तो क्या आएगा जीरो आएगा, यहाँ से क्या आएगा x, तो जीरो माइनस एक्स, जीरो माइनस एक्स मतलब माइनस एक्स, यानी कि ये क्या होगा परिमेय पर, ठीक है ना,
परिमेय है तो माइनस एक्स। सिमिलरली यहाँ से x अपरिमेय पे आ रहा है, यहाँ पे x यहाँ पे आ रहा है क्या, जीरो आ रहा है, तो x माइनस जीरो बराबर क्या होगा, पॉजिटिव का x होगा, ये क्या होगा अपरिमेय पर, ठीक है ना। इसका मतलब आप देखोगे कि ऑन टू तो है ही, क्योंकि परिमेय पर भी अपरिमेय पे आप कुछ कुछ मिल रहा है, जब पॉजिटिव का रखोगे तो निगेटिव मिलेगा, निगेटिव रखोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, यानी क्या हो जाएगा ये एक एक और आच्छादक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि विषम फलन, तो विषम फलन प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हमने f में माइनस एक्स रखा और ये एफ एक्स बराबर हो गया तो सम है, यानी कि इवन फंक्शन है, अगर f में अगर माइनस एक्स रखा और ये माइनस एफ एक्स आ गया तो ये क्या हो जाएगा विषम, ठीक है ना। तो बस चेक करते हैं, अचर में तो कोई चीज़ नहीं आएगा, अचर में तो कोई चीज़ नहीं आएगा, तो ये हमारा विषम तो है नहीं। यहाँ देखोगे ये हमारा निगेटिव हो जाएगा टू साइन एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का कॉस एक्स होगा, तो ये ना निगेटिव है ना ये सम है ना ही ये विषम है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ चेक कर लो तो यहाँ क्या हो जाएगा इलेवन आपका पॉजिटिव रहेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा ये एफ एक्स इक्वल टू साइन लॉग एक्स, क्योंकि आपका देखो जब इसको आप इसमें रखोगे ना एक्स की वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन आ रहा होगा, ठीक है ना। अब साइन को अगर निगेटिव वैल्यू तो क्या हो जाता है माइनस साइन हो जाता है ना, इसलिए क्या हो जाएगा सी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि फलन टैन इनवर्स इतना दिया हुआ है, तो टैन इनवर्स अगर ये दिया हुआ है और आपका ग्राफ क्या दिया है माइनस वन से वन दिया हुआ है, तो आप देखोगे माइनस वन से मतलब क्या ये टू टैन इनवर्स एक्स होगा, टू टैन इनवर्स एक्स है ना। अब ये अगर माइनस वन से वन है तो आपको पता है टैन पाई फोर पे होता है ये, टैन पाई फोर ये भी माइनस पाई फोर और ये पाई बाई फोर, तो अगर माइनस पाई फोर से पाई फोर तो टू इंटू कर देंगे क्या माइनस पाई बाई फोर से ये पाई बाई फोर, तो टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और यहाँ क्या होगा क्लोज ब्रैकेट होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका अंतराल हो जाएगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आपसे कह रहा है कि यदि आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और फलन एफ एक्स ये दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स क्या है सेम है, तो एफ ऑफ जी एक्स निकाल लेते हैं, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से एक्स प्लस एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा क्या एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन टू एक्स प्लस वन माइनस क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस टू माइनस थ्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स दो एक तीन जीरो, ठीक है ना, फोर एक्स आएगा। अब इसको बराबर करेंगे क्या जी ऑफ एफ एक्स के, ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स के बराबर करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा जी ऑफ एक्स में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री प्लस वन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आएगा तो ये टू एक्स हो जाएगा इसको टू कह रहा है माइनस टू, तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा माइनस वन, एक्स क्या हो जाएगा माइनस वन, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है क्या, कह रहा कि एफ एक्स, ठीक है, तो आपको कह रहा है उन्नीस बार दिया हुआ ना, तो उन्नीस मतलब ऑड होता है, तो आप इवन चेक कर लो ऑड चेक कर लो, तो एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो यहाँ जहाँ पे x वहाँ एफ एक्स रखना है, यानी एफ एक्स वैल्यू क्या है x अपॉन x माइनस वन अपॉन x अपॉन x माइनस वन माइनस वन, तो ऊपर देखो क्या हो जाएगा x अपॉन x माइनस वन और नीचे क्या हो जाएगा x माइनस हो जाएगा क्या माइनस x प्लस वन अपॉन x माइनस वन, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि तो यहाँ से x कट गया तो क्या आ गया x आ गया। अब आप फिर से f ऑफ एफ एक्स क्या है आपका x आया, अब जब फिर से एफ ऑफ एक्स निकालोगे तो क्या आएगा x अपॉन x माइनस वन, तो देखोगे इवन ऑड ये चलता रहेगा, तो ऑड में ये क्या 19 ऑड है तो क्या हो जाएगा x अपॉन x माइनस वन, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्या ये, ठीक है, कह रहा है महत्तम पूर्णांक फलन दिया हुआ है, महत्तम पूर्णांक फलन पता है क्या होता है कि अगर 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू है, ठीक है, 1 के तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 नहीं हो, ठीक है, तो यहाँ से देखोगे क्या हो जाएगा ये तो हमारा जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। अब पहली बार वन कब मिलेगा, देखो ये टू बाई थ्री है ना, अगर यहाँ पे 33 मिल जाए 33 बाई 99 तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू बाई थ्री और ये वन बाई थ्री होगा, तो वन बाई थ्री टू बाई थ्री क्या हो जाएगा वन, यानी कि पहली बार वन कब बनेगा जब यहाँ पे 33 मिलेगा, ठीक है, और 98 तक यहाँ पे है, तो 98 में से क्या घटा दो 33 और प्लस वन कर दो तो क्या हो जाएगा ये 66, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 900 नंबर, कह रहा है कि इसका लिमिट कह रहा है कि x टेन टूवर्ड्स पाई बाई टू पे आपको निकालना है,
तो पहले चेक करते हैं हमारा एफ एक्स क्या है भाई, ये हमारा क्या लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाई टू, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा वन माइनस साइन एक्स अपॉन क्या है पाई माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी चेक करते हैं कौन सा फॉर्म बन रहा है, पाई बाई टू साइन पाई बाई टू क्या होता है वन, ऊपर जीरो हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे पाई बाई टू तो टू इंटू पाई बाई टू यानी कि पाई, ये भी जीरो, तो ये बन रहा है जीरो बाई जीरो फॉर्म। आपको पता है यहाँ पे क्या लगाना है, एल हॉस्पिटल लगाना है, तो लगाते हैं एल हॉस्पिटल भाई, यहाँ क्या हो जाएगा आपको हो जाएगा माइनस कॉस एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा टू और पाई माइनस टू एक्स, और ये टू एक्स के लिए क्या आ जाएगा आपका, ठीक है ना, ये आएगा माइनस टू, माइनस टू आ जाएगा और क्या आ जाएगा माइनस टू आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया वहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन में क्या आया फोर और पाई माइनस टू एक्स, है ना, पाई माइनस टू एक्स आ गया। अब देखो कि कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, फिर से करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा फोर इंटू माइनस टू आपका हो जाएगा ये, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आप रखोगे पाई बाई टू तो ये हो जाएगा वन, और ये हो गया चार दुनिया आठ, तो वन बाई एट क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका 81 से 100 तक का सोल्यूशन, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, जय हिंद। जय हिंद बच्चों, मॉक टेस्ट का सोल्यूशन हम लोग लेकर हाजिर हुए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे, लेकिन 101 जो है 100 पे बेस्ड है, तो सबसे पहले 100 वाले क्वेश्चन को थोड़ा रिपीट करते हैं फिर से। यहाँ पे दिया है माना फलन जो दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस साइन एक्स पाई माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर, जहाँ पे एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, तथा एफ ऑफ पाई बाई टू की वैल्यू कितना दिया है लैम्ब्डा, ठीक है ना। हमें ये निकालना था कि ये जो फंक्शन है ये कहाँ पे कंटिन्यूस है, देखो दिया हुआ है कि अगर यहाँ पे कंटिन्यूस है तो हमारे लैम्ब्डा का मान क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 101 के लिए। तो सबसे पहले अगर कंटिन्यूस होता है जैसे कि हम लोग जानते हैं तो लिमिट हमारी एग्जिस्ट होनी चाहिए और लिमिट की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक ना, और लिमिट की वैल्यू फाइनाइट होगी तभी वो एफ ऑफ पाई बाई टू के बराबर होगी यानी लैम्ब्डा के बराबर आएगी। तो टोटल मिला के हमें यहाँ पे लिमिट की वैल्यू निकालनी है, लिमिट के हिसाब से देखा जाए तो लिमिट हमें कहाँ निकालनी है पाई बाई टू पे, तो लिमिट अगर पाई बाई टू पे निकालनी है तो यहाँ पर हम आते हैं लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू लिखते हैं बेटा, ये हो गया आपके पास वन माइनस साइन एक्स अपॉन क्या हो गया पाई माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे लिमिट निकालेंगे, ये जो लिमिट की वैल्यू आएगी वही आपके पास लैम्ब्डा की वैल्यू आएगी, क्योंकि फंक्शन क्या है सतत है मतलब कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब टोटल मिला के हमें क्या निकालना है लिमिट की वैल्यू। यहाँ पे लिमिट अगर डाल रहे हैं तो हमारे पास जीरो बाई जीरो का फॉर्म आ रहा है, कैसा फॉर्म आ रहा है जीरो बाई जीरो का फॉर्म आ रहा है, तो जीरो बाई जीरो का फॉर्म आता है तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं, तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं बेटा, एल एच रूल बोल सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एल एच रूल का यूज करें तो क्या होता है ऊपर का डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये होगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, ऊपर का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, साइन का क्या हो गया कॉस होता है, यहाँ पे माइनस लगा तो माइनस कॉस एक्स हो गया, ठीक ना। यहाँ पे ये करें ये टू हो गया, ये हो जाएगा आपके पास पाई माइनस टू एक्स, और माइनस टू एक्स का कितना हो जाएगा बेटा माइनस टू, तो यहाँ पे माइनस टू इंटू ऐसे लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप ये माइनस से हम माइनस ये वाला कैंसिल आउट कर देते हैं, अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि ये लिमिट डालने पे जीरो बाई जीरो का फॉर्म ही आ रहा है, इसका मतलब हमें एक बार फिर से एल एच रूल का अप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर से एक बार एल एच रूल अप्लाई करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएट कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास अगेन यहाँ पे एल एच रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, और ये हो गया आपके पास देखो आप ये हो गया फोर तो है टू इंटू टू फोर हो गया, माइनस टू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा माइनस टू, अब यहाँ पे पाई बाई टू रखेंगे माइनस से माइनस कैंसिल होगा, रिजल्ट कितना आएगा वन बाई एट, यानी यहाँ पे पाई बाई टू पे इसकी लिमिट कितनी आ रही है वन बाई एट, यानी क्वेश्चन नंबर 100 का जो आंसर है कितना है वन बाई एट है। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर 1 बाई एट है, इसका मतलब यह है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये लैम्ब्डा के बराबर ही होगा, और इसका मान भी कितना होगा 1 बाई एट, यानी दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है बेटा सेम आ रहा है 1 बाई एट, ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन एक ही से कनेक्टेड थे तो दोनों का क्वेश्चन एक साथ निकल रहे हैं। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 102, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 है, देखो यहाँ पे भी लिमिट का बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ लिमिट एक्स टेंस टू टू अंडर रूट वन माइनस कॉस टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू, यहाँ पे देखिए आप जरा सा समझे यहाँ पे कि वन माइनस कॉस टू एक्स, वन माइनस कॉस टू एक्स की वैल्यू क्या होती है, ये हो गई लिमिट एक्स टेंस टू टू, यहाँ पे आपके पास रूट है, ठीक है ना, ये हो गया वन माइनस कॉस टू एक्स की वैल्यू होती है टू साइन स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगी आपके पास एक्स माइनस टू, देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है टू एक्स माइनस टू, तो डिवाइडेड बाई टू करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगी टू, आपके पास बच जाएगा एक्स माइनस टू, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू टू, ठीक है ना, ये हो जाएगा अंडर रूट टू मॉड ऑफ साइन
x माइनस टू, ये आपके पास वैल्यू आएगी अपॉन x माइनस टू। अब यहाँ पे देखो बेटा कि जब हम लोग लिमिट कहाँ पे निकाल रहे हैं, टू पे, टू का मतलब लिमिट निकालने का मतलब उसकी नेबरहुड पॉइंट पे निकालते हैं, जैसे टू की राइट में निकाल सकते हैं, टू के लेफ्ट में निकालते हैं। तो राइट लिमिट जो होता है टू के राइट में निकालते हैं, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकालेंगे, टू के लेफ्ट में निकालेंगे, टू के लेफ्ट मतलब टू से छोटा। तो यहाँ पे अगर टू से छोटा वैल्यू रखते हैं तो ये वैल्यू निगेटिव देगा, अगर टू से वैल्यू ज़्यादा रखते हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव देगा। इसका मतलब लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब ये लिमिट दोनों बराबर नहीं आएंगे, जैसे कि हम लोग मॉड के केसेस में जानते हैं। तो इसका लिमिट क्या है, अस्तित्व में नहीं है। इसका आंसर आपके पास ये आएगा, डी वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, 103 क्वेश्चन 103 क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि यदि f ऑफ 5 इज इक्वल टू 7 और f डैश 5 इज इक्वल टू 7, ठीक ना, f ऑफ 5 भी 7 है और f डैश 5 भी 7 है, ठीक है ना। दिया हुआ है कि ये लिमिट का आंसर कितना होगा, ये लिमिट की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो अब जब अगर हम लोग लिमिट जो दिया हुआ है इस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं तो ये कितना होगा, 5 इंटू एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5 का मान कितना है 7, तो कितना होगा बेटा 35। यहाँ पे भी कितना होगा 35, 35 माइनस 35 कितना आएगा 0, नीचे में कितना हो जाएगा 0। तो फॉर्म कैसा है बेटा, 0/0 का फॉर्म है, तो 0/0 का फॉर्म है। तो LH रूल पे आ जाते हैं, LH रूल का मतलब होगा LHospital रूल, इसमें क्या होगा, ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे, तो ये होगा लिमिट x टेंस टू 5, ऊपर डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना होगा f ऑफ 5 होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, f ऑफ 5 तो कांस्टेंट है, ठीक ना। अगले वाले में क्या होगा 5, ये हो जाएगा f डैश x, नीचे में कितना होगा बेटा ये 1 हो गया, x का 1 हो गया, 5 का 0 हो गया, तो ये आपके पास 1 आया, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिमिट डालते हैं तो ये हो गया f ऑफ 5 माइनस 5 f डैश 5। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यह हो गया, ये वैल्यू आपके पास कितना दिया बेटा, ये दिया है आपके पास 7, ये वैल्यू आपके पास 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दिया 7 माइनस 5 इंटू 7, ये भी 7 दिया हुआ है, तो 7 माइनस 35 कितना हो जाएगा माइनस 28, ठीक है ना। तो ये आंसर आएगा माइनस 28, आंसर नंबर डी हो गया माइनस 28। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 यहीं पर है अपने पास। क्वेश्चन दिया हुआ है यदि y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा एंड x इज इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई थ्री। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स ये पैरामेट्रिक फॉर्म दिया है, आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, dy बाई डी थीटा अपन डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक ना, पैरामेट्रिक फॉर्म दिया है dy बाई डी थीटा अपन डी एक्स बाई डी थीटा। अब यहाँ पे देखो आप, इसका अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, पहले हम लोग इसका डिफरेंशिएट कर लिए थीटा के रिस्पेक्ट में, कितना आएगा, ये हो जाएगा 3a, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का क्या होता है बेटा कॉस थीटा, ठीक है ना। फिर उसके बाद नीचे वाला जो फंक्शन है वो x पे है, तो डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 3a से 3a कैंसिल, एक कॉस यहाँ से कट गया, एक साइन आपके पास कट जाएगा, तो आपके पास टोटल मिला के आया माइनस ऑफ टेन थीटा, कितना है माइनस ऑफ टेन थीटा। और थीटा का मान कितना रखना है बेटा पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री अगर हम लोग रखते हैं तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस रूट थ्री एट थीटा बराबर पाई बाई थ्री। तो आंसर हमारा कौन सा मैच कर गया, बी वाला माइनस रूट थ्री, ठीक है ना, ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 105 में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारे पास tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएट निकालनी है दूसरे वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया, थोड़ा सा इसको हम लोग तुरंत सॉल्व करने के बजाय थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कि ये जो अपने पास दिया हुआ है tan इनवर्स, ये दिया हुआ है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो वैल्यू होगा ये होगा 2 tan इनवर्स x के इक्वल, ठीक है ना, होता ही है फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं। और ये होता है cos इनवर्स, ये दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है बेटा sin इनवर्स x के इक्वल, है ना। इसका मतलब ये है कि हमें जो डिफरेंशिएट करना है d बाई sin इनवर्स x किसको करना है, 2 tan इनवर्स x को, है ना, ये वाले फंक्शन को, इसके बदले ये सॉल्व कर लिए, इसके बदले ये सॉल्व कर लिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टोटल मिला के नीचे वाले फंक्शन टर्म जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी, ठीक ना। तो आंसर यहाँ पे डी हो गया, ये डी करेक्ट आंसर है, देख सकते हो। 106
106 क्वेश्चन पे आते हैं, क्या निकालना है बेटा, डिग टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर का मान, ठीक है ना, डिग टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर का मान हमें निकालना है। देखो आप कैसे निकालेंगे, देखो आप अगर ये वैल्यू लिखा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या जरा ये वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी वाई, ठीक ना, ये जो वैल्यू आपके पास यहाँ पे दिया है इसके बदले हम ये लिख लिए, ठीक ना, डी बाई डी वाई डी एक्स बाई डी वाई। अब यहाँ पे देखो आप इसको हम उल्टा लिख लेते हैं, कैसे लिख लिए, डी बाई डी वाई, इसको लिख लिए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक ना, का पावर माइनस वन, चलेगा ना, ये माइनस वन कर लिया। अब ये समझना है कि ये x x का पावर माइनस वन, तो हम यहाँ पे देखो आप ये कितना लिखा है dy, वाई, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं थोड़ा सा dx कर लेते हैं, ये होगा dy वाई बाई डी एक्स, पावर कितना हो गया माइनस वन, और यहाँ पे लिख लिया dx और यहाँ पे लिख लिया dy। देखो आप ये वाला ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो गया माइनस वन, पावर क्या आता है बेटा सामने, और एक पावर कितना हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy वाई बाई, ठीक ना, डी एक्स का पावर कितना हो जाएगा माइनस टू, फिर इसका अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक ना, इन टू कितना है डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें आप कि ये वाला टर्म कितना लिखा है डी एक्स बाई डी वाई, ये कितना लिखा है डी वाई बाई डी एक्स, अगर इसको उल्टा लिखा है तो ये कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का पावर माइनस थ्री कर देगा, ये इसके साथ अगर हम लोग एडजस्ट करते हैं, और यहाँ पे क्या हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। देख लेंगे आंसर कौन सा मैच कर रहा है, आंसर यहाँ भी डी वाला मैच कर रहा है, माइनस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स का पावर माइनस थ्री, तो आंसर हमारा डी वाला करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 106 का। क्वेश्चन 107 पे आते हैं, ये क्या दिया हुआ है, इफ यदि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के दिया हुआ है और वक्र दिया हुआ है y स्क्वायर बराबर 12x पर अभिलंब है तो k का मान निकाले, ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं जो बेटा जो कर्व दिया हुआ है, क्या दिया है कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ से अगर हम लोग समझें तो 2y बाई 12 बराबर क्या हो जाएगा dx बाई डी वाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 6, यानी हमको मिल गया dx बाई डी वाई बराबर y अपॉन 6, ठीक है ना, ये हमको मिला dx बाई डी वाई, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि जो नॉर्मल का स्लोप होता है, अभिलंब का जो स्लोप होता है वो कितना होता है बेटा माइनस dx बाई डी वाई, तो माइनस dx बाई डी वाई कितना हो जाएगा माइनस y बाई 6। अब यहाँ के हिसाब से अगर आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे जो ये वाला जो वक्र है इस पर अभिलंब है, मतलब इसकी जो स्लोप होगी इसकी स्लोप के बराबर होगी, तो इसकी स्लोप कितना है बेटा माइनस वन, कितना है देखो आप इसकी स्लोप कैसे हम चेक करेंगे, y बराबर लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस के, ऐसा लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे इसकी स्लोप कितनी है माइनस वन, तो यहाँ पे माइनस वन के बराबर लिख दिए, ठीक है ना, तो माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी होगी 6, तो y की वैल्यू यहाँ पे हमें मिली 6। तो अगर y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं यहाँ पे देखो आप, तो y की वैल्यू कितनी होगी 6 रखेंगे तो कितना होगा 36, तो इसका मतलब x का मान कितना आ जाएगा बेटा 3 आएगा, x का मान 3 आएगा, तो अगर x और y दोनों का मान रख दे, ये हो गया 6 ये हो गया 3, तो k का मान कितना आ गया 9, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो 107 का ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 108 में क्या दिया हुआ है, यदि फलन एक्स क्यू माइनस 3x² + 6 एक वर्धमान फलन है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो क्या केसेस होता है अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा बेटा ग्रेटर देन 0, ठीक ना, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है वर्धमान है, तो यहाँ पे देखो आप इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं कितना होगा 3x² - 6x, ये क्या होगा ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे इनके पास क्या टर्म कॉमन है, यहाँ से कॉमन ले सकते हो 3x, तो यहाँ पे आ जाएगा x - 2, ठीक ना, ये हो गया ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये हो गया कि x जो है ग्रेटर देन 2 हो गया या फिर x जो है लेस देन 0 हो गया, ठीक है ना, तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है सी वाला, तो आंसर हमारा करेक्ट है सी। क्या दिया हुआ है, एक गोला जिसका आयतन पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रहा है, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर के हिसाब से बढ़ेगा, तो गोला का सबसे पहले तो हमें आयतन पता होना चाहिए, कि देखो आप जो स्फीयर लिखा है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, ये होता है 4/3, मतलब v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ये स्फीयर का वॉल्यूम है, ठीक ना, v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं, तो कितना होगा dv/dt, ये हो जाएगा आपके पास 3 बाहर आ जाएगा, तो 4/3 पाई इंटू कितना हो गया 3 r² और dr/dt, ठीक है ना, तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो आप dv/dt का मान हमें दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ पाई सेंटीमीटर पर क्यूब, तो यहाँ पे पाई अगर रख देते हैं तो ये वैल्यू कितना हो गया 4 पाई
ठीक ना, और ये आर स्क्वायर है ना, ये डी आर अपन डी टी, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, तो आपके पास डी आर अपन डी टी का मान कितना आ जाएगा, डी आर बाई डी टी का मान आ गया बेटा वन, यहाँ पे वन बचा, वन अपॉन फोर आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं कि हमें क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना। यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल किस रेट से बढ़ेगा ये हमें निकालना है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल मान लो एस बराबर क्या होता है बेटा, फोर पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी एस बाई डी टी अगर निकालते हैं तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एट पाई आर और डी आर अपॉन डी टी, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो, अब डी आर अपन डी टी का मान ये हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये वैल्यू अगर यहाँ पे रखते हैं कितना हो जाएगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और कितना बच जाएगा अपने पास, ये बच जाएगा टू पाई अपॉन आर बचेगा, ठीक ना, टू पाई अपॉन आर बचेगा। और यहाँ पे आर का मान कितना रखना बेटा, वन, तो इसका मतलब रिजल्ट कितना हो गया, टू पाई, यानी टू पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगा, ठीक ना। इसका मतलब ये होगा 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ रहा है। देखो आप क्वेश्चन नंबर 110 क्या दिया है, फलन दिया है x टू द पावर x, ये अगर वर्धमान फलन है तो हमें ये बताना है कि x कहाँ से कहाँ लाई करेगा। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो इसका मतलब हो गया f डैश x क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक ना। अब हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया बेटा, x टू द पावर x, यानी एफ एक्स बराबर दिया हुआ है x टू द पावर x, तो इसका f डैश x निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x टू द पावर x 1 प्लस log x, ठीक है ना, ये होगा f डैश। और इसका मान क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। देखो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर होता है, इसका मतलब ये वाला पॉजिटिव होना चाहिए, 1 प्लस log x जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी log x ग्रेटर देन माइनस वन, यानी x जो होगा ग्रेटर देन e के पावर माइनस वन, इसका मतलब हो गया x ग्रेटर देन 1 बाई e। x का मान क्या होना चाहिए, 1 बाई ई से बड़ा होना चाहिए। आंसर कौन सा मैच कर रहा है, आंसर हमारा ए मैच कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 101 का। अब आते हैं 11 का, ठीक ना, 111 का, यानी 111 का। ये फंक्शन कैसा दिया हुआ है, x अपॉन log x का न्यूनतम मान बताएं, क्या बताना है इसका, मिनिमम वैल्यू। तो सबसे पहले ये जो फंक्शन दिया है यहाँ पे लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है x अपॉन log x, ठीक है ना। इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, f डैश x कितना है, f डैश x कितना होगा बेटा, ये log x बाहर लिखे u बाई v के फंक्शन पे करते हैं, log इसका 1 हो गया, x को बाहर रखा 1 बाई x अपॉन क्या हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा, देखो आप ऊपर में हो गया log x माइनस 1, ये दोनों कैंसिल आउट होगा, इसको इक्वेट करेंगे जीरो के, यहाँ से आपके पास आएगा log x बराबर 1, तो x का मान कितना आ गया बेटा, e आया। अब x का मान अगर e हम लोग रख देते हैं, न्यूनतम मान पूछा है ना, तो x का मान अगर हम यहाँ पे e रखते हैं तो f ऑफ मिनिमम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e अपॉन log ऑफ e, यहाँ पे देखो आप, तो ये हो गया e अपॉन 1, मतलब रिजल्ट कितना है, e। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, a, एकदम आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112 पे आते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स इंटू दिया हुआ है e के पावर x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स, इसका मतलब यहाँ पे इंटीग्रेट करना है फंक्शन का, कैसे करेंगे जरा देखो आप। इस टाइप का अगर फंक्शन आता है एक्सपोनेंशियल के साथ, तो सबसे पहले देखते हैं x प्लस 1 बाई एक्स, ठीक ना। अब यहाँ पे जरा देखो आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1, यहाँ पे 1, अगर हम इसमें से x कॉमा ले लेते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से आपके पास फंक्शन बन रहा है, तो इस तरह का अगर आपके पास है e के पावर, यहाँ पे एफ एक्स है 1 प्लस एफ एक्स, ठीक ना, ये f डैश x बन रहा है इंटू यहाँ पे मान लो gx है, तो ये वैल्यू जो होता है x इंटू e के पावर x प्लस 1 बाई एक्स के इक्वल हो जाएगा, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है, b वाला, ठीक है। कि dx अपॉन x इंटू दिया हुआ है x टू द पावर 7 प्लस 1 किसके बराबर है, तो देखो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो आपको क्या करना होगा, जो हायर पावर है उसको कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x टू द पावर 8 हो जाएगा, 1 प्लस x टू द पावर माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब ये वाला x का पावर को हम ऊपर लेके भेज देते हैं, तो x टू द पावर माइनस 8 हो गया, और ये हो गया 1 प्लस x टू द पावर माइनस 7 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना कि नीचे वाले डिफरेंस, नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएट करके देखते हैं, यहाँ पे कितना होगा 1, यहाँ पे कितना होगा माइनस 7, x टू द पावर माइनस 8 आएगा, यहाँ पे माइनस 7 होने चाहिए, तो यहाँ पे मैंने माइनस 7 ऐड कर दिए, और यहाँ पे भी मैंने माइनस 7 का डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड में आपके पास बैलेंस हो गया, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो ये क्या हो गया, लॉग बन जाएगा बेटा, लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 7 प्लस सी, ठीक है ना।
इस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। ये वैल्यू हो जाएगा माइनस एक बटा सात, जरा देखते रहना ये वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एक्स टू द पावर सेवन प्लस वन अपन एक्स टू द पावर सेवन, ठीक है ना। ये आपका आंसर अभी मैच नहीं किया। अब देखो माइनस वन माइनस यहाँ पे है, ये वाला हम इसके पावर में भेजते हैं तो नीचे वाला टर्म आपके पास चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास रेसिप्रोकल हो जाएगा एक्स टू द पावर सेवन अपन वन प्लस एक्स टू द पावर सेवन, ये हमारे पास करेक्ट आंसर मैच करेगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर मैच कर रहा है बी वाला, ठीक है। तो ये हो गया 113। अगले में आते हैं क्वेश्चन नंबर 114 दिया है, 114 पे आते हैं। यहाँ पे क्या दिया है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन बेसिकली हम लोग प्रॉपर्टीज बेस सॉल्व करते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन का है। तो दिया हुआ है कि 0 से पाई बाई 2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन को अगर हमने मान लिया कि ये 0 से पाई बाई 2 है, ये हो गया आपके पास रूट कॉट एक्स, और ये नीचे कितना दिया है रूट कॉट एक्स प्लस रूट टेन एक्स, ठीक ना, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे सेम देखो, केवल हमने आई लगा लिए, क्या लगाया इसमें एक्स्ट्रा में, केवल आई लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगाते हैं, यहाँ पे देखो आप 0 से पाई बाई 2 शिफ्टिंग वाली कितना हो जाएगा कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक ना, अपॉन क्या हो गया, ये हो गया कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस टेन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक ना, इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये दोनों को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्या बन जाएगा, 0 से पाई बाई 2 ये बन जाएगा टेन, टेन एक्स बन जाएगा रूट टेन एक्स, ये क्या हो गया रूट टेन एक्स, और ये क्या हो गया रूट कॉट एक्स, ठीक है ना, ये डी एक्स आ गया, ये भी आई ही है। अब यहाँ पे देखो आप, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, अगर हम दोनों को ऐड कर दिए यानी समीकरण वन प्लस समीकरण टू कर दिए, ठीक ना, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो इधर कितना आएगा 2i, और इधर देख सकते हो दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 यहाँ पे dx आ जाएगा, तो टोटल मिला के x आ गया 0 से पाई बाई 2। तो यहाँ पे अगर हमने देखे तो ये हो गया पाई बाई 2, तो यहाँ पे i का मान कितना होगा बेटा पाई बाई 4, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे आंसर कितना आ जाएगा पाई बाई 4। तो ये करेक्ट हमारा आंसर है क्वेश्चन का डी। देखो आप, ये दिया हुआ है लिमिट, यानी इनफाइनाइट लिमिट के लिए दिया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन को एज ए इंटीग्रेशन के बेस से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखो आप कैसे हम इसको चेंज करते हैं इंटीग्रेशन में, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट दिया हुआ है, यहाँ पे हमने एक समेशन का यूज किया, ठीक ना, और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारे पास टर्म चल रहा है एन तो सभी में दिख रहा है एन है, ऊपर वाला टर्म क्या है वन है, तो यहाँ पे एन प्लस आर लिख लिए चलेगा बेटा, यहाँ पे n प्लस आर, आर का मान यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक ना, तो यहाँ पे r का मान 0 ले लिया, और यहाँ कहाँ तक चल रहा है बेटा 2n। देखो यहाँ पे 2n रखोगे, 2n प्लस n कितना हो जाएगा 3n, लास्ट वाला टर्म कितना है 3n, तो 2n तक चल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने ले लिया कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो गया समेसन r इज इक्वल टू 0 से 2n, यहाँ पे n अगर कॉमन लेते हैं तो ये कितना होगा 1 प्लस आर बाई एन इंटू 1 बाई एन, ऐसा लिख सकते हैं ना। अगर हम इंटीग्रेशन में चेंज करते हैं तो r बाई एन बराबर x लिखा जाता है, और 1 बाई एन बराबर क्या लिखा जाता है dx। लिमिट कैसे चेंज करते हैं, r का मान लोअर लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0, अपर लिमिट रखेंगे तो कितना होगा बेटा 2, ठीक ना, 2n अपॉन n तो कितना हो जाएगा 2 आएगा। अब यहाँ पे 0 से 2 लिमिट हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स dx हो गया, ये इंटीग्रेट करेंगे क्या होगा log 1 प्लस एक्स आएगा, और यहाँ पे लिमिट रख लेंगे 0 से 2। अब यहाँ पे लिमिट रखते हैं तो कितना हो जाएगा log 3, 0 रखेंगे तो log 1 आएगा, log 1 का मान 0 होता है, तो आंसर हमारा कौन सा मैच कर रहा है बी वाला। ये हो गया 116 का क्वेश्चन नंबर का आंसर, क्वेश्चन नंबर 117 दिया हुआ है रेखा y इज इक्वल टू एम एक्स एंड x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई है, तो m का मान निकालो। बेसिकली मान लो हमने ये समझ लिया कि y इज इक्वल टू एम एक्स, ये लाइन पास कर रही है, सपोज y इज इक्वल टू एम एक्स ये वाली लाइन पास कर रही है। अब हमने ये क्या किया कि x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 ये हो गया, और x इज इक्वल टू 2 मान लो ये हो गया, और x अक्ष आपके पास ये है, इनके बीच जो है ये वाला पार्ट जो है ना इसकी एरिया निकालनी, ठीक है ना, ये वाली पार्ट की एरिया निकालनी। इसके पार्ट की एरिया क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास 1 से 2, y इज इक्वल टू एम एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखा है एम एक्स इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है। तो ये देखो बेटा, ये कितना हो जाएगा एम एक्स इंटू डी एक्स, ये अपने पास हो गया एम एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना, ये हमारे पास हो गया 1 से 2 बराबर 6, 6 हमारे पास दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर हमने वैल्यू रखते हैं तो ये कितना होगा, अगर 2 लिमिट रखते हैं तो ये हो जाएगा
m अगर बाहर रखें तो ये कितना होगा, 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, ठीक है ना। देखो आप माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा, बराबर कितना है 6, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6, तो ये हो जाएगा आपके पास 3m अपॉन कितना होगा 2 बराबर 6, यानी 3m इजिकल टू 12, तो m का मान कितना आएगा बेटा 4, तो m का मान हो गया 4। क्वेश्चन का आंसर आपके पास डी मैच कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 118 पे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ये वाला और ये दो अलग अलग पैराबोला है, जरा जल्दी से देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, एक आपके पास ये है, ये है वाई स्क्वायर बराबर, हाँ ये आपके पास है क्वेश्चन, ये है वाई स्क्वायर बराबर 4x दिया है, और ये है एक्स स्क्वायर बराबर 4y, तो इनके बीच का एरिया जो होता है बेटा ए बराबर होता है, ये वाला जो एरिया ये होता है 16/3 इनटू क्या होता है ए का स्क्वायर। यहाँ पे दोनों में देख रहे हैं कि ए का मान कितना है 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 16/3, तो आंसर कौन सा हो गया, बी वाला करेक्ट है। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है, यहाँ पे देखो आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो यहाँ सेपरेबल वेरिएबल का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास वाई वाले टर्म को एक साइड ले जाते हैं, वाई अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये डी वाई हो गया, और ये कितना हो जाएगा एक्स अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी एक्स, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से डिवाइड किए, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये क्या हो जाएगा लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना होगा लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 बाई 2 भी है, देखना आप 1 बाई 2 है प्लस 1 बाई 2 लॉग सी भी लिख लिए है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाई 2 सभी से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास जो आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर मतलब लॉग ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर है ना, तो लॉग भी कैंसिल आउट कर देते हैं बच्चों, तो लॉग कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सी। तो ये जनरली जो बेसिकली हमारे पास इक्वेशन बन रहा है वो किसका है, अति परिवलय का है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 120 का क्वेश्चन है ना, ये कैसा दिया है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, तो ये क्या होगा, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ये क्या होता है e के पावर इंटीग्रेशन p dx, तो ये हो जाएगा e के पावर इंटीग्रेशन p का मान कितना है 1 बाई एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपके पास बेटा कितना 1 बाई एक्स डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा e के पावर लॉग x, तो ये हो गया आपके पास x। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो y इंटू एक्स बराबर x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना दिया हुआ है 3x, ये हो गया dx, तो आपके पास हो गया y इंटू एक्स बराबर ये कितना होगा 3 इंटू एक्स क्यू बाई 3 प्लस सी है ना, यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, इसका मतलब y बराबर कितना हो गया बेटा, ये 3 से x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स, आंसर कौन सा है डी वाला y इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स, ये आपका आंसर था, टोटल आपका क्वेश्चन का आंसर, ठीक है बेटा।